السلام عليكم ورحمه الله <تصفيق> 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 لا حول ولا قوه الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج पांच नवंबर 2023 को संडे के दिन हमारा ये पब्लिक सेशन नंबर 119 119 नंबर इंशाला होगा आपके ये सवाल रियल टाइम पर्चियों की शक्ल में मेरे पास आ चुके हैं इंशाला इन्हें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे पहले करंट अफेयर के तौर पर पिछले वीक का एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक जो काफी वायरल हुआ सोशल मीडिया के ऊपर अगरचे मेरा कोई इरादा नहीं था कि उसे टॉपिक बनाया जाता लेकिन चूंकि उसके साथ इतने अकायद जुड़ गए और हर शख्स ने आके खाओ उसका ताल्लुक किसी मजहबी बैकग्राउंड से हो या किसी लिबरल बैकग्राउंड से हो सब ने आके अपना लुचफराई किया है उसमें अपना हिस्सा डाला तो फिर मैंने इरादा किया कि इसको हम डिस्कस कर लेते हैं और वो हमारे जो ममदू हैं मौलाना तारिक जमील साहब ताला उनके बेटे की डेथ जिनका नाम आसिम जमील था राहिम्ला तल्ला तला उनकी मफरत करे उन्हें उनके नए कामों का अजर दे बुराइयों से दरगुजर फरमाए और उनके वाल साहब को तार साहब को उनकी वालदा को बाकी रिश्तेदारों को इस सदमे के ऊपर सबर नसीब करे और उस सबर पर अजर अजीम अता फरमाए आमीन इंदा लाही व इन्ना इले जरून अल्ला जुर्नी फी मुसीबती व अखिलिफली मिनहा आमीन पिछले संडे को ये खबर शाम के वक्त कहीं वायरल हुई उस वक्त तक हमारा ये पब्लिक सेशन तो आपको पता है मुकम्मल हो चुका था मुझे ये इशा के वक्त पता चला हमारे उस्मान भाई के नंबर पे हमारे एक दोस्त हैं कर्नल इरफान साहब जो रिटायर हो चुके हैं सीनियर हैं उन्होंने कॉल की और मुझे उस्मान भाई ने कहा कि जी ये फोन सुने उन्होंने कहा जी के, उनका चूंकि बैकग्राउंड तबलीगी जमात से भी रहा है तो कहने लगे कि जी मौलना के बेटे को किसी ने गोली मार दी है मैंने जाहिर है राजिऊन यही सही मुस्लिम वाली दुआ पड़ी और फिर बाद में जब सोशल मीडिया पे उसकी डिटेल्स को मैंने सर्च किया तो हर शख्स अपना ही वर्जन दे रहा था कोई कह रहा था कि ये दहशत गर्दों ने हमला किया है किसी ने कहा कि उन्होंने अपने हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली है किसी ने कहा कि हाथसाती मौत है खैर सुबह के वक्त जो मौला तार जमी साहब के बड़े बेटे हैं यूसुफ जमील हाफिजाल तुमने एक वीडियो क्लिप अपना जारी किया वो फिर मेन मीडिया के ऊपर भी मुख्तलिफ टी वी चैनल्स ने दिखाया उसमें उन्होंने कहा कि मेरे जो छोटे भाई हैं उन्होंने खुदकुशी की है क्योंकि उनका जेनी तोन का इशू था वो दूसरे वाला इशू नहीं डिप्रेशन वाला इशू यानी ये पागल तो नहीं थे लेकिन डिप्रेशन के मरीज थे और वो बता रहे थे कि पिछले काफी अरसे से उन्हें हम इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दे रहे थे तो वो उसी तकलीफ के अंदर उन्होंने अपने आप को गोली मार के खुदकुशी कर ली है चैप्टर क्लोज हो गया मीडिया ने भी बता दिया फिर एक दिन के बाद तार जमीर साहब के जो छोटे भाई हैं डॉक्टर हैं यानी उस बच्चे के चचा उनका उर्दू पॉइंट के ऊपर इंटरव्यू आया और उन्होंने एक और बात कर दी उन्होंने कहा कि नहीं उसने खुदकुशी नहीं की है बल्कि ये हादसाती मौत है वो पिस्टल से खेल रहा था और उसी दौरान चैंबर में गोली मौजूद थी जो चल गई और उसकी वजह से वो शहीद हो गया मैं भी वैसे सोच रहा था कि आज तक खुदकुशी के जितने भी वाकयात रिपोर्ट हुए हैं उसमें हमेशा जो भी खुदकुशी करता है ना पिस्टल के जरिए वो कनपट्टी पे रख के करता है क्योंकि उस बंदे ने इंश्योर करना होता है कि मैं अब जिंदगी से जान छुड़ाऊं मैंने इस तरह का कोई केस अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि कोई शख्स जो है वो सीने में गोली मार के खुदकुशी करे क्योंकि उसमें चांस होते हैं कि बंदा बच सकता है तो ये एक चीज मुझे यानी एक तंग कर रही थी तो मुझे लगा कि उनके चचा सही बात कर रहे हैं कि ये हादसाती तौर पे सारा मसला हुआ है लेकिन दूसरी तरफ उसके अपने बड़े भाई ने स्टेटमेंट दी और वीडियो में आके जी खुदकुशी की है तो इसकी वजह से फिर आपको पता है सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया हर शख्स ने अपनी सोच के मुताबिक हिस्सा डाला उसमें मैंने मौलाना तारिक जमीद साहब को कॉल तो नहीं की उस वक्त मुझे पता था कि वो गम की कैफियत में आए और जाहिर है कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं और रिश्तेदारों को अटेंड कर रहे होते हैं फिर खुद भी तकलीफ में होते हैं तो खाम खा किसी को फोन पे तंग करना ये बिल्कुल एक गैर अखलाक हरकत है अपने तौर पे तो मैंने अपने भाइयों के साथ मिलकर उसके लिए दुआ मफरत कर दी बल्कि उनकी वीडियो के नीचे भी जाके मैंने कॉमेंट्स किए उसी वक्त वो कमेंट्स आपको टॉप पे नजर आ जाएंगे क्योंकि उन कमेंट्स को काफी लोगों ने लाइक किया तो हुआ दो या तीन दिन के बाद फिर मैंने मौलाना तार जमीर साहब को इशा की नमाज के बाद कॉल की लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाई मेरी आदत है कि जब मैं किसी को कॉल करूं तो बस एक ही कॉल करता हूं अगर वो उठा ले तो ठीक नहीं तो उसकी मर्जी ऐन मुमकिन है कि बंदा मसरूफ हो वो खुद फिर कॉल कर लेता है जो भी जिसके साथ वास्ता पड़ता है खैर तकरीबन एक घंटे के बाद मुझे तारजमी साहब की कॉल आई तो मैंने उनसे फिर ताजियत की इन्ना व इन्ना राजिऊन अल्लाहुम्म अजुरनी फ़ी मुसीबती व अखलीफली मिन्हा ये दुआ पढ़ी और जो भी एक रवायती अंदाज में होता है सारा मामला किया और मैंने मौलाना से तीन सवाल किए मैंने कहा कि ये मुख्तलिफ वर्जन आ रहे हैं मुझे आप तीन बातों के जवाब दें पहली बात ये बताएं कि ये आपके बेटे ने खुदकुशी की है या हादसाती मौत है तो उन्होंने कहा ये खुदकुशी वाली बात बिल्कुल झूठ है और ये मुझे तकलीफ दे रहे हैं ये हादसाती मौत थी और बाद में उनकी वीडियो भी आ गई जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तकलीफ ना दे वो जो कुरान खानी के मौके के ऊपर उनकी वीडियो आई तो फिर मैंने दूसरी बात की जो जैनमन थी मैंने कहा अगर यही बात है तो आपके तो अपने बेटे ने वीडियो जारी कर दी थी उसी रात तो वो उसने वीडियो क्यों जारी की थी अगर उसे इस बात का नहीं पता था तो कहने लगे वो यूसुफ तो यहां पे है भी नहीं था वो दूसरे सिटी में गया हुआ था चूंकि वो एक पैनिक फैल गया तो उसे जो इनिशियल रिपोर्ट मिली उसने उसके मुताबिक फौरन वीडियो बना दी तो वो वीडियो उसकी गलती है वीडियो बनाना उसको फौरन बनानी पड़ी उसमें उससे मिस हैंडलिंग होगी क्योंकि वाक्य पे तो ना वो मौजूद था ना मैं मौजूद था वो तो उसका एक कजन ही था आरफीन जो उनके चचा का बेटा है छोटे भाई का बेटा जो डॉक्टर है तो वो पास मौजूद था और एग्जेक्टली उस वक्त वो पास मौजूद था उसकी तरफ देख नहीं रहा था लेकिन उसी प्रेमसीज में मौजूद था उसने बाद में उर्दू पॉइंट के ऊपर अपना इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करवाया तो कहते हैं कि ये बात जो है ना वो उससे मिस हैंडलिंग हुई है फिर मैंने तीसरी बात उनसे ही पूछी कि अगर आपको ये पता था कि वो डिप्रेशन का मरीज है और ये सब कुछ है और आपके सारे करीबी लोगों को पता है तो इस चीज का तो कोई तुक नहीं बनता कि अगर उसने पिस्टल मांगी है तो वो आपका गार्ड या जो भी था वो उसे पिस्टल पकड़ा देता जबकि पता है कि वो इस तरह की कोई एक्टिविटी कर भी सकता है कहते हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं हुआ इससे पहले भी वो खाली पिस्टलों से देते हैं तो वो खेलता रहता है क्योंकि सारे उसको जरा एक स्पेशल प्रोटोकॉल स्पेशल चाइल्ड होने की वजह से करते थे वैसे तो उम्र उसकी ऑलमोस्ट कोई थर्टी सिक्स सेवन के करीब थी लेकिन वो बचपन से ही एक खास जहनी मर्ज में मुबतला था लिखना पढ़ना उसने नहीं सीखा लेकिन पागल नहीं था जिसको हम कहते हैं ना पागल वो नहीं था एक डिप्रेशन का मरीज आप समझ लें कि यानी एक दरमियान की कंडीशन में तो कहते हैं वो पहले भी इस तरह करता था बस वो चैम्बर में गोली फंसी रहेगी तो वो चल गई तो मैंने कहा मुझे भी यही लगता है उसकी वजह यह है कि अगर उसने ये खुदकुशी की होती ना तो वो कनपट्टी में रख के खुदकुशी करता फिर वो इतने उसने जिंदगी के साल इस डिप्रेशन में गुजारे हैं अभी आके उसने खुदकुशी को करनी थी असला तो उसके पास पहले भी अवेलेबल था तो मुझे ये बात यानी ठीक लगी इसके बावजूद अगर कोई समझता है कि उन्होंने पर्दा डाला है तो वो उसके अपने जेन का इशू है मेरे ख्याल है हमें घर वालों की बात के ऊपर लय करते हुए इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए ये बड़ी शख्स ज्यादी वाली बात है कि एक घर में पहले डेथ हुई भी है और फिर हर कोई उसमें तब आजमाई कर रहा है इसमें से निकलना क्या है कोई वो पब्लिक अकाउंट होल्डर नहीं था कोई पाकिस्तान का कोई मशहूर साइंटिस्ट नहीं था कि जिसकी वजह से कोई मुल्क को इतना नुकसान हो गया है कि हम कहें कि नहीं जी पता लगवाएं कि ये खुदकुशी की है या यासाती तौर पे मरा है एक नॉर्मल इंसान था ठीक है उसके वालिद की स्टेटमेंट आ गई दैट्स एनफ और फिर वो हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि यार इसको इशू ना बनाए प्लीज मेरे बच्चे के ऊपर ये इल्जाम ना लगाएं तो मेरा ख्याल इसके बाद तो जो शख्स भी साहब ओलाद है उसे शर्म करनी चाहिए अगर वो इसके अलावा कोई और वर्जन अडॉप्ट करता है ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि इसमें से निकालना कुछ भी नहीं हमने तो ये पूरे का पूरा एक सिनेरियो था और इन सारी बातों के बाद मैंने इस चैप्टर को तीन चार दिन पहले क्लोज कर दिया कि ठीक है बात होगी लेकिन ये पूरे हफ्ते में अभी तक इतने लोगों ने वी बनाए इस टॉपिक के ऊपर हर बंदे ने आके अपनी इनपुट दी और जो कुछ उसमें से निकालने की कोशिश की फिर उस पर तुर्रा ये यह कि जो कुछ मौलाना तारे साहब ने मिस हैंडलिंग की उसकी भी एक पूरी लिस्ट है जिसकी वजह से दूसरे फिरकों के मौलवियों को मौका मिला उन्होंने उनके खिलाफ वीलॉग्स बनाए इवन खुद उनके अपने फिरके के लोगों ने तारे साहब को डिसऑन किया और वो जो तार जमीर साहब की मिस हैंडलिंग की वजह से जो कुछ हुआ उसमें वो जस्टिफाई थे मुखालफिन वो करने में एक मौका दिया तो जाहिर है मुखालफिन किधर छोड़ते हैं ये तो वैसे टीवी पे बैठ के सारे कहते हैं ना जी के फिरकों में बड़ी टॉलरेंस आ चुकी है और हम सब एक दूसरे को मुसलमान समझते नहीं मौका कोई जाने नहीं देते ये लोग काटने का जब मौका मिलेगा ये काटेंगे आपको और उन्हें मौका मिल गया आप देखें मोलियों के क्लिप किस तरह आ रहे हैं इंतहाई ढिटाई के साथ बेशर्मी के साथ अपने फासिद अकायद और नजरियात को साबित करने के लिए तारक जमीत साहब की एक्टिविटीज का वो सहारा ले रहे हैं यानी तार जमीत साहब ने जो कुछ किया ना उन्होंने कोई कुरान सनत से रेफरेंस पेश किया और ना उनके मुखालफी अपनी जो गलत एक्टिविटीज और अकायद और नजरियात है उनको साबित करने के लिए कुरान सन्नत का सहारा ले रहे हैं वो कह रहे हैं जी साहब ने कर दिया लिहाजा मारा फिर का भी साबित हो गया ये वो कर रहे हैं और फिर वो उल्टा ये कह रहे हैं कि इतने अरसे से जो तुम लोग हमें ताना जनी करते थे तो देख लो तुम्हारे घर के बंदे ने भी बता दिया कि यही चीज असल है तो ये सारे के सारे मामला को इनशाला मैं आठ इलमी पॉइंट्स की शक्ल में इसको डिस्कस करूंगा बल्कि इसकी इंजीनियरिंग करूंगा मैं तो आपको पता है, इंजीनियर हूं तो मैं एक तरतीब से इन चीजों को डिस्कस करूंगा हमें एक मौका मिला है कि हम लोगों के सामने हक बात रखें इस चीज को सेंटर्ड करते हुए मेरी यह गुफ्तु कोई व्यूअरशिप के लिए कोई मशहूरी के लिए नहीं मेरे तो ज्यादा कड़ा मशहूर है हाँ।, हाँ तो ये किसी चीज के लिए नहीं है सिर्फ खालिस्तन ये मौका मिला है कि मुसलमानों के दिमागों में मैं ड्रिल करूं कि भाई ये बाबों का दीन है ये किताबों का दीन है मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और किताबों का पैंबर और है बाबों का पैंबर और अगरचे फिरकों के बाबे भी इसी अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं अजलम लेकिन जो उन्होंने आपको दीन सिखाया वो उनकी जतीि इखतरा थी किताबों सुनने से उनका कोई लेना देना नहीं है तो ये एक मौका है कि आप तक बात पहुंचाई जाए तफसील में जाने से पहले एक दफा दुरुशी पढ़ लें हम्मद व अलाद व असहाबी محمد व محمد मोहम्मद वी يوم الدين आमीन इल्मी पॉइंट नंबर वन जो लोग इस बात के ऊपर इसरार कर रहे हैं कि उनके बेटे ने खुदकुशी की उसी की पली लेते हुए फिर वो तारे साहब के ऊपर अटैक कर रहे हैं कि देखें जी ये बेटे की इन्होंने तरबियत की थी पूरी दुनिया में तबलीग करते हैं और अपने घर की हालत ये है ये बात जो है वो मजहबी तबके की तरफ से भी उठाई गई लिबरल्स की तरफ से भी उठाई गई चूंकि उन्होंने कंक्लूड कर लिया कि बच्चे ने खुदकुशी की है मैं कहता हूं जी ये मुकदमा दुरुस्त भी हो कि उसने खुदकुशी की है तब भी किसी शख्स को उसकी औलाद की वजह से या उसके करीबी रिश्तेदारों की वजह से तख्ता मश्क नहीं बनाया जा सकता कुरान में वाज ये फतवा है वला हैलाजिर तुम विजरा उखरा कोई भी बोझ उठाने वाली जान किसी दूसरे के अमाल का बोझ क्या मत के दिन नहीं उठाएगी यह कुरान का वाज फतवा है अगर इस कानून को मान लिया जाए कि किसी शख्स के बुरे अमाल का जिम्मेदार उसका वालिद है तो अल्लाह ताला ने सूर हूद के अंदर सईद नूह अला नबीना सलात के बेटे का जिक्र किया कि वो तो हालत कुफर में मरा। उल्टा जब नू सलाम ने उसकी सिफारिश की तो अल्लाह ताला ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि मुझसे उस चीज के बारे में सवाल ना कर जिसके बारे में तेरे पास इल्म नहीं है और तू जाहिलों में तो शामिल ना हो तुझे तो पता है कि वो तेरी उलास जरूर था बिगॉटन शान था लेकिन उसके अमाल वो नहीं थे कुफर की हालत में मरा तो नूअसलाम को कोई ब्लेम नहीं कर सकता कि उनका बेटा कुफर की हालत में मरा तो अब वो मुझने में इसी तरीके से सूर्य तहरीम में आया कि सईदाना नूह अले सलाम और सईदाना लूत अले सलाम इन दोनों की बीवियां वो काफिर मरी और अल्लाह ताला फरमाता है कि वो हमारे नेक बंदे भी अल्लाह के मुकाबले पे उनके कुछ काम नहीं आएंगे क्योंकि वो कुफर की हालत में मरी हैं तो क्या अब हजरत नूह या हजरत लूत अलसलम को ब्लेम दिया जा सकता है कि आपके अकद में रहने वाली औरत कुफर की आदत में क्यों मर गई है तो ये बिल्कुल नॉन सेंस अप्रोच है कि किसी शख्स की बुराई का वबाल उसके वालद के ऊपर डाल दिया जाए हाँ अल्लाह ने जज करना है कि तरबियत क्या की थी वो अल्लाह को पता है लेकिन वंश कोई काम कर लेता है ना तो इसको आप किसी की तरबियत के साथ जोड़ने का कोई राइट नहीं रखते ये अल्लाह का और बंदे का मामला है तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है जो लोगों ने अडॉप्ट की इस तरीके से अगर आप क्रीज बनाना शुरू करें तो इसका कोई एंड नहीं होगा लिहाजा पॉइंट नंबर वन में हम इस चीज को सख्ती से कंडेम करते हैं कि किसी भी शख्स की बुराई का बबाल उसके वालद के ऊपर या वालिदा के ऊपर डाल दिया जाए हर शख्स अपने अमाल का जवाब दे क्यामत वाले दिन खुद है इसी तरीके से आप देखें तलिन हुसैन का जो सरगना था वो साद इबन अबी वकास रजियाल्ला जिन्होंने पर्शियन अंपायर को गिराया सईदना उमर के दौर में रदी अल्लाह हो, उनका बेटा था उमर इबन साद आप कोई कह सकता है कि भाई उमर इब्न साद की यह तरबीय की हुई थी साद इबन अबी वकास ने नहीं, नहीं। वो अपने अमाल का खुद जवाब दे और यहां तो ये मुसलमान भी था चले पैगम्बरों के केस में तो मैंने आपको एक्सट्रीम कुफर वाली मिसाल दी ये तो मुसलमान था लेकिन वो अपने अमाल का जवाब दे खुद है और उसके करतूत इस तरह के साद इबन वकास को अपनी जिंदगी में नजर आ गए थे लेकिन वो क्या कर सकते थे दावत ही दे सकते थे निगाह मार के उसका दिल तो नहीं बदल सकते थे हाँ ये बाबरी कर सकते हैं हाँ देखें हर चीज से ये रिजल्ट निकलता है कि इन्होंने आपको झूठा दीन बताया कि जी वो बुजुर्ग जो है वो निगाह मार के दिल बदल देते हैं भाई पैगंबर तो अपनी औलाद का दिल नहीं बदल सके साद साबनबी वकास तो अपने बेटे का दिल नहीं बदल सके तो शाही कोई नहीं हां हर चीज से ये रिजल्ट निकलता है कि बाबेदशाही कोई नहीं हत्ता के सही मुस्लिम में आता है कि साद इबनबी वकास का बेटा आमिर बिन साद कहता है कि वो अपने खेतों में थे इतने में उनका ये दूसरा बेटा उमर इब्ने साद ऊंट पे या घोड़े पर सवार होकर सामने से आया तो साद इब्ने अबी वकास ने इसको देखते ही कहा कि अल्लाह इस सवार के शर्त से मैं तेरी पनाह में आता हूं अपने बेटे के बारे में कह रहे हैं अभी करबला हुई नहीं ये बहुत पहले की बात है क्योंकि साद अबी वकास तो 56 सिक्स में फौत हो गए करबला हुई है सिक्सटी वन हिजरी में तो अगर उनकी जिंदगी का आखिरी वाकया भी हो तब भी एटलीस्ट ये पांच साल पहले बात है वाकया करबला से और वो जैसी सवारी से उतरा वो कहता है अब्बा जान देखें लोग तो खिलाफत के मामले में तगोद कर रहे हैं और आप इधर अपने खेतों में मसरूफ हैं आए आप भी कोई हुकूमत का अहदा हासिल करने की कोशिश करें तो अजहर साद अपने वकाश को गुस्सा आता है वो उसके सीने के ऊपर घोंसा मारते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह ताला को वो शख्स पसंद है जो मुत्तकी हो दुनिया से जहद रखने वाला हो और गोशा नशीनी की जिंदगी गुजार दे वो अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है बजाय ऐसे शख्स के के जो हुकूमती अहदा संभाले ये गोशा नशीनी से मुराद वो जंगलों के पत्ते खाना नहीं है हाँ आपको कहते हैं जी अब्दुल कादर जिलानी जो चालीस साल तक जंगलों के पत्ते खाते रहे बुखारी मुस्लिम में लिखा है कि नबीलाम जब गारे हिरा जाते थे तो उनकी बीवी सैदा खतीजा सलाम उनको टिफिन में खाना बांध के देती थी आपके बाबे कई कई साल तक कुछ खाएं पिए ना और हमारे नबी सल्हलम थोड़ी देर के लिए गारे हिरा जाए तो घर से अपना खाना लेके जाए तो फिर हम ये कहने में हैं हाँ बजाने में नहीं है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं इसका मतलब झूठ बोला है तुम लोगों ने हर वाक्य से हर आयत से हर हदीस से एक जन निकलता है कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं बाबे थे शाही कोई नहीं इल्मी पॉइंट नंबर टू और वो है कि क्या उस बच्चे की मौत हादसाती थी या खुदकुशी वाली तो इसके ऊपर चुके मैं अपने इब्तदाइया में डिस्कस कर चुका हूं कि मेरी खुद बात हुई है तारा साहब से उन्होंने कहा कि नहीं ये हादसाती मौत थी मेरे बच्चे यूसुफ जमील ने बस पैनिक में आके उस वक्त एक वीडियो बना दी उसकी वजह से यह सारा मामला आगे चल पड़ा अगर खुदकुशी करनी होती तो कनपट्टी पे मार के करता यह सीने पे जो गोली लगी और एक्सेसिव खून निकलने की वजह से वो शहीद हो गया तो ये हादसाती तौर पे हुआ डिप्रेशन का मरीज भी था और वो अक्सर पिस्टल से खेलता था वो इसी वजह से गार्ड ने उसको दे दी लेकिन गार्ड को पता नहीं था कि एक गोली उसमें चैम्बर में फंसी हुई है और वो चल गई लिहाजा इस चैप्टर को अब क्लोज कर दें जबकि तारजमी साहब ने हाथ जोड़ के ये कहा कि खुदा के लिए मेरे बच्चे को बार बार ये ना कहें कि उसने खुदकुशी की है मुझे आप तकलीफ दे रहे हैं तो मेरा ख्याल इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए पॉइंट नंबर थ्री इसी से जुड़ा हुआ कि तारजमी साहब ने बताया कि वो डिप्रेशन का मरीज था और बचपन से उसकी हालत थी लिखना पढ़ना उसने नहीं सीखा हुआ था वो हरूफ की पहचान ही नहीं कर सकता था ये एक बाकायदा दिमागी मर्ज है ये उस तरह का जहनी तोन बिगड़ना नहीं है जिसमें इंसान को किसी चीज की भी होश नहीं रहती उसने कई पारे कुरान के जुबानी याद किए हुए थे सुन सुन के पावर थी तो इस तरह के जो कोई ज़ेनी मरीज हो उनके बारे में शरी हुक्म यह है सही बुखारी में तालीकन इमाम बुखारी एक चैप्टर की हेडिंग में यह हदीस लेके आए हैं सैदाना अली इबन अबी तालिब का कौल और इसकी पूरी सनद भी खुद मौलानी से रवायत हुई है रसुल्लाम का फरमान माजा में कि तीन लोगों से अल्लाह ताला ने कलम उठा लिया उनके ऊपर कोई गिरफ्त नहीं है पहला शख्स जो मजनून हो पागल हो जैनी तो उसका बिगड़ गया हो दूसरा वो शख्स जो सोया हुआ है उसको तो होश नहीं है और तीसरा जो छोटा बच्चा है नाबालिग बच्चा है जिसे अभी हक और बातिल में उस तरह की तमीज नहीं है तो उसके ऊपर अल्लाह गिरफ्त नहीं फरमाएगा पूरी सनत तो मैंने बताया इब्ने माजा में इमाम बुखारी इसे चैप्टर की हेडिंग में लेके आए हैं और एक वाक्य की तरफ इमाम बुखारी ने इशारा किया जब हजरत उमर ने अपने दौर में एक मजनून पागल शख्स के ऊपर किसी गुनाह के सब हाथ जारी की तो हजरत अली ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अमीर मन इस शख्स पे हाथ जारी नहीं होगी क्योंकि तीन लोगों से अल्लाह ने शरीयत का कलम उठा लिया है मजनून से शोबे शख्स से और ना बालिक से तो हजरत उम्र ने फिर वो डिसीजन रिवर्स कर दिया लिहाजा जो लो भी तवाजुन लोग भी ज़ेनी तोन के अतबार से डिस्टर्ब लोग हैं उनके ऊपर शरीय के कोई भी अहकाम इस हवाले से नहीं लगते और यही वो चीज़ है जो ये अपने बुजुर्ग बाबों के लिए भी प्ली लेते हैं और वह कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग बबे जो थे ना वह अल्लाह की मोहब्बत में ऐसे गर्क हो जाते थे गोया कि वो मजनून हैं कलंदर है पागल है इसलिए उनसे शरीयत का कलम उठ जाता है तो हमने कहा था ठीक है हम आपके साथ एग्री करते हैं तो फिर इन्हें बुजुर्ग न डिक्लेयर करें पागल कहा करें हम आपके साथ हैं नहीं पागल इसलिए नहीं कहते कि अल्लाह की मोहब्बत में वो पागल है अगर अल्लाह की मोहब्बत में पागल हो के वो अनल हक कह रहे हैं या सुबह मशनी कह रहे हैं इसकी तो आप फिर भी तवील कर लेंगे कि वो अल्लाह के साथ एक लो लगाए हुए हैं लेकिन जिन लोगों ने इस पागलपन में चिश्ती रसुल्ला कलमा पढ़ाया और उसे एंडोर्स किया और थानवी रसुल्ला कलमे को एंडोर्स किया और पता नहीं कौन कौन से इनके कलमे हैं वैसे हमारे नजदीक तो भाई चार कलमे साबित हैं पहले चार कलमे पांचवा छठा तो उलमा ने लिखा हुआ है जो आपको छह कलमे कहते हैं ना वो किसी अदीज में नहीं आया पहले चार इस इसमें मेरी तफसीलीडियो रिकॉर्ड है तो ये जो छह कलमे हैं इनमें से चार साबित हैं दो इन्होंने खुद लिख लिए अब तो ये छह की गिनती भी आगे जा चुकी है चिश्ती रसूल्ला सतवां कलमा हाँ कलमा हाँ।, हाँ जी शिवली रसुल्ला नौवां कलमा हाँ मुआविया रसुल्ला दसवां कलमा हाँ ये लिखे सारे किताबें तो खैर बनाई जा रहे ने तो जिनके हम छह पे बात करते थे ना आप तो हम कहते थे भी चार साबित हैं दो कोई नहीं साबित आप बताया करेंदिक रसूल तो रिटर्न में तो नहीं दिखा सकते इसलिए दस ही रहने दो फिलहाल दस कलमे ना जो चार ही साबित ने पहले चार बाकी छह कलम ने तुसी खुद ही बनाए ने उनमें से दो तो चले आप कह लें कि एक दुआई अंदाज में या जिस अंदाज में भी हैं आखिरी चार कल में तो वैसे ही फ्रार है चिश्ती रसुल्ला थानवी रसूल्ला शिवली रसुल्ला थे मुआविया रसुल्ला तो कोई साबित नहीं जाए तो जिनका जहनी तोजुन बिगड़ गया वो रसुल्ला के ऊपर भोंक रहे हैं और फिर आप ये कह रहे हैं कि वो अल्लाह की मोहब्बत में तो फिर हम आपको वही बात याद दिलाएंगे जो आप हमें बचपन से सिखाते थे क्योंकि हम भी इतना अरसा ब्रैल रहे हैं ना आ, वो भी क्या दिन थे हम भी एक जिन थे आज हम देव हैं जिनों के भी प्यो हैं हाँ बल्कि देव के भी प्यो हैं देवबंद वाला देव और ए प्यो बिघटन वाला ना समझियो यानी रूहानी तौर पे उस्ताद की शक्ल में तो ये कहते थे बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार दीवानगी सिर्फ अल्लाह के लिए चलेगी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई बात की किसी दीवाने ने किसी मजजूब ने किसी कलंदर ने किसी मजनून ने हम उसे काफिर डिक्लेयर करेंगे तो ये सारे बकवासियात जो हम बार बार हाईलाइट करते हैं इनके बुजुर्गों के और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर डाका मारा है उनकी इस्मत के ऊपर हमला किया है उनकी जात से मुतक सारी गुस्ताखियां खैर ये टॉपिक अलग से है लेकिन मैं नाल चूंडी वा छांगा नहीं तो मैं। हाँ जख्म में थोड़ा तो छिल्दा रहना है क्योंकि इसी जख्म को छीलने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी दुनिया में चेंज आई है आप जितना प्रोपेगंडा कर सकते हैं करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप मुझे रियल टाइम आप में से लोग बताएं कितने लोग हैं जिन्हें मेरा तारुफ नेगेटिव हुआ था हाथ खड़ा करें तो ये इन बुजुर्गों की बरकत है ना

तो देखो फिर अल्लाह ने किड़ी बड़ी बुलाते तो छाड़ छड़ दी है मेरे ना रीसा है ही कोई नहीं तेरे बाबे ही कोई नहीं पॉइंट नंबर थे और वो है खुदकुशी के हवाले से चूंकि मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये खुदकुशी वाला इल्जाम तो गलत है लेकिन चूंकि इसके साथ जुड़ी भी बात है बाद लोगों ने पूछा कि खुदकुशी वाले के शरी आकाम कहें वो भी आप साथ बयान करें एक बात तो आप बिल्कुल क्लियर कट समझ लें इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है यह जिंदगी अल्लाह की अमानत है और जिस तरीके पर अल्लाह ने इजाजत दी है उस तरीके पर यह जान उसके सुपुर्द की जा सकती है कि मैदान जंग में कोई शख्स अल्लाह की खातिर अपनी जान हथेली पर लेकर आ जाए और अल्लाह के हजूर अपनी जान कुर्बान कर दे तो इस तरह की कुर्बानी तो अला तरीन मौत है इंसान की लेकिन कोई शख्स जान बूझ के अपनी जान नहीं ले सकता सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अगर किसी शख्स ने दुनिया में जहर पीकर खुदकुशी की या अपने आप को बुलंदी से गिराकर खुदकुशी की किसी पहाड़ से या अपने पेट में छुरा मारकर अपने आप को जख्मी करके जिसकी मॉडर्न फॉर्म अब ये पिस्टल वाला मामला भी हो सकता है कोई कनपट्टी पे रख के चलाता है किसी भी तरीके से खुदकुशी की तो ऐसा शख्स हमेशा के लिए जहन्नम की आग में है मिन हो और जहन्नम की आग में उस पर आग का अजाब तो मुसलत होगा ही साथ ही साथ जिस तरीके से उसने खुदकुशी की होगी वही अजाब उस पर मुसलत कर दिया जाएगा अगर किसी ने दुनिया में छुरा मार के खुदकुशी की तो दोजख की आग में उसके हाथ में खंजर दे दिया जाएगा वो बार बार अपने आप को मारता रहेगा मरेगा फिर जिंदा होगा फिर मरेगा फिर जिंदा होगा ये यानी एक मुसलसल तकलीफ का अमल ये उस पर मुसलत होगा और हमेशा के लिए अभी बड़ी खतरनाक बात है कि एक कलमा गो मुसलमान खुदकुशी कर ले तो एक अमल की वजह से हमेशा की जहन्नम में अब यह हदीस तो बुहारी मुस्लिम दोनों में है लेकिन इसी हदीस को इमाम तिरमजी ने जामिया तिरमजी में लिया और उन्होंने इन अल्फाज के ऊपर बहस की कि ये जो अल्फाज हैं कि हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा वो कहते हैं ये अल्फाज गैर महफूज हैं और किसी हद तक लॉजिकली उनकी बात दुरुस्त थी कि बहरल मुसलमान तो एक न एक दिन अपने गुनाहों का अजाब भुगत के जन्नत में चला ही जाएगा तो वो कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि एक मुसलमान खुदकुशी करे और हमेशा के लिए जन्नत में रहे तो वो कहते हैं कि ये जो हमेशा वाले अल्फाज है ना ये चंद शागिरदों ने हजरत अबू हर से रवायत किए हैं चंद ने नहीं किए लेकिन दूसरे महदसिन कहते हैं कि जिन शागिदों ने रवायत की हैं वो सारे सिख और सुदूक हैं लिहाजा इस रवायत के मतन में कोई कलाम नहीं है अलबत् इसकी तावील मुमकिन है कि ये जो बुखारी मुस्लिम की हदीस में है हमेशा की जहनम तो इससे मुराद या तो वो शख्स है जिसने खुदकुशी को हलाल समझ कर किया तो अल्लाह की हराम करदा चीज को अपने अकीदे में हलाल समझना यह खुदकुफर है और इस कुफर की हालत में चुके वो मरा इस वजह से वो हमेशा के लिए जहनम में है ना कि वो कि जो इसे हराम समझते हुए करे और यकीन मुसलमान जब भी करता है वो हराम समझते हुए करता है उसे पता है कि यह गलत है लेकिन वो कहता है मैं अपने हालात से तंग था और वो क... लेकिन फिर भी कोई काम अजाब नहीं है अजहा तो उसने भुगतना है और दूसरी तवील ने यह की मुहदसिन ने कि यह जो हमेशा की जहन्नम है इससे मुराद है अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गोया के हमेशा की जहन्नम यानी वो इतनी ज्यादा देर जहन्नम में रहेगा गोया के हमेशा के लिए जहन्नम में वो आज ये भी कोई मामूली बात नहीं यहां तो लोग कहते हैं जी खैर है जी एक फेर ही लगेगा और अल्लाह तला फुरकान में फरमाता है कि जहन्नम थोड़ी देर के लिए भी वक्त गुजारने के लिए इंतहाई बुरा ठिकाना है और ज्यादा देर गुजारने के लिए भी इंतहाई बुरा ठिकाना है ये कह देना आसान है लेकिन अल्लाह ताला का जो फतवा है वो बता रहा है बुखारी मुस्लिम अदीस है कि जो जहन्नम की आग है वो दुनिया की आग से सत्तर गुना ज्यादा तेज है दुनिया की आग कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको सेवेंटी टाइम बढ़ा ले और फिर दुनिया की आग तो रोशनी वाली है और जो जहन्नम की आग है उसमें बिल्कुल अंधेरा है मिनार आमीन रब न आदा बहन्नम आदा बहा का ना गौराम तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है अच्छा इसके साथ एक और चीज भी आप समझ लें जिस शख्स ने खुदकुशी की है ना उसका जनाजा नबी सल्लल्लाहु सल वसल्लम ने नहीं पढ़ा सही मुस्लिम में हदीस है एक खुदकुशी वाले का जनाजा लाया गया आप ने जनाजा नहीं पढ़ा अलबत् सहाबा को नहीं रोका तुम पढ़ लो लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा उसके पीछे आपका एक प्रोटेस्ट था कि अगर एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी खुदकुशी वाले का जनाजा पढ़ेगी तो उसके अमल को एंडोर्स करने के मुतरिफ है लेकिन चूंकि है कलमा को अहल किबला लिहाजा जनाजा तो होगा खुदकुशी वाले का काफिर तो नहीं है मुसलमान है तो साब इकराम को इजाजत दे दी कि तुम पढ़ लो लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा इसके तहत जितने भी डोमिनेंट लोग हैं जो मजहबी पेशवा हैं दीन की तबलीग करने वाले लोग हैं उनके लिए सुन्नत यही है कि वह कभी भी खुदकुशी वाले का जनाजा ना पढ़े आम लोग पढ़ लें लेकिन वो ना पढ़े ताकि प्रोटेस्ट रिकॉर्ड हो और हमारे मुल्क में जिसने खुदकुशी की होती है ना सबसे बड़ा जनाजा उसका होता है कोई इश्क इश्कुकी के चक्कर में कर ली होती है किसी और चक्कर में क्योंकि वो अमूमन खुदकुशी करने वाली जवान मौत होती है और जवान मौत के ऊपर वैसे ही बड़ा लोगों को तरस आता है ये ऑलमोस्ट दो की बात है यानी आज पांच नवंबर 2023 है तो आप समझ लें चौदह साल पहले की बात है उन दिनों मैं अपने घर में ही दर्श दिया करता था बैठक में चंद एक लोग होते थे तो मेरे दर्श में एक बच्चा आता था कोई सोलह सत्रह साल उसकी उम्र थी हिफ्ज कर रहा था वो दावत इस्लामी के मदरसे से तो काफी हद तक उसके अकायद की असलाह हो गई थी फिर अचानक एक दिन खबर आई कि उसने खुदकुशी कर ली है वो घर में तजाब था वो उसने पी लिया अब तजाब अगर कोई पी लेना तो उसकी तो कोई रेमेडी नहीं है क्योंकि वो जहां जहां तजाब लगता है वो सब कुछ कट जाता है अब मुझे खबर मिली तो अब मेरे लिए बड़ा एक इम्तिहान था चूंकि वो स्टूडेंट भी था और दूसरी तरफ उसने ये हरकत की जेलम की तारीख में चंद बड़े जनाजों में से हजारों में उसका जनाजा था वो एक बड़ा जनाजा था लेकिन मैंने जनाजा नहीं पढ़ा अब बाद में मैंने उसके लिए दुआए मफरत कर दी लेकिन मैंने कहा कि मैंने नबी सल्म की सुन्नत पे अमल करना है कि मैं चूंकि दावत और तबलीग का का काम कर रहा हूं तो मुझे ये जेब नहीं देता कि मैं इस जनाजे में शामिल हूं हाँ उसके लिए दुआए मफरत करेंगे भाई है अल्लाह तीन मफरत करे उसकी गलतियों से दरगुजर फरमाए जिस में आके उसने यह किया छोटा बच्चा था कि घर में इस तरीके से कोई झगड़े वाला मामला हुआ और वह कर गुजरा तो खुदकुशी वाले का जनाजा जो डोमिनेंट लोग हैं मजहब की लेगेसी को लेके चल रहे हैं वो कभी भी ना पढ़े इस्लाम ने तो हमें ये तालीम दी है इस हवाले से ये स्टेटस क्लियर हो गया हती कि आप वसल्लम तो मकरूज का भी जनाजा नहीं पढ़ते थे सही मुस्लिम में हदीस है ना कि शहीद का हर गुना माफ है कर्ज शहीद का भी माफ नहीं होता हालांकि शहादत से बड़ा क्या रुतबा है लेकिन चूंकि कर्ज वाला मामला हकूक इबाद का है वो माफ नहीं होता बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी मकरूज का जनाजा लाया जाता आप पूछते हैं इस पर कोई कर्जा तो नहीं है अगर बताया जाता है कर्जा है तो आप फरमाते तुम पढ़ लो मैं नहीं पढ़ूंगा प्रोटेस्ट के तौर पर या तुम में से कोई इसका कर्ज उतारने की जिम्मेदारी ले तो अगर कोई जिम्मेदारी ले लेता तो आप जनाजा पढ़ा देते अदरवाइज आप नहीं पढ़ाते थे, थे। वही लेगेसी आज तक चल रही है ना आपने देखा है कि वो जनाजे के मौका के ऊपर अनाउंसमेंट होती है कि इसके साथ किसी का लेन देन हो तो फलां से मिले ये लादाबाद है फलां से मिल भी ले फिर भी कर्जा नहीं कर दे कि जम वापस हाँ वो एम ही फलां से मिल ले लेकिन नबील इस्लाम के केस में उसी हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला ने गजब खैबर के बाद रसुल्ला को वसअत दी माल गनीमत में आप वसल्लम के पास जब माल आना शुरू हो गया माल गनीमत हम उसके कॉन्टेक्ट में बैतुल माल के अंदर फिर जब कभी भी मकरूज का जनाजा लाया जाता था तो नबीलाम पूछते इस पर कोई कर्ज है और बताया जाता कि है तो नबीस्म फिर वो कर्ज खुद बैतुल माल में से अपने वाले उस हिस्से में से जो खुम का हिस्सा है रसुल्ला उनके अहलबैद के लिए सूरतफाल में अल्लाह ने तखसूस फरमाया उसमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम उसका कर्ज उतार दिया करते थे और फिर नबी रस्तम वो आयत पढ़ते हैं अन नबी बिलमोमिन वजवाजह महात नबी मोमिन की जानों पर उनकी जानों से बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माए हैं तो रसुल्ला उम्मत के रूहानी बाप हुए अच्छा इस आयत का तो मतलब वैसे यह था कि उम्मत का काम है कि अपना तन मन धन अपनी जान तक कुर्बान कर दे रसुल्ला के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि रसुल्ला वसल्लम हमारी जानों से बढ़कर हम पर हक रखते हैं लेकिन नबीस्लाम ने देखे इसका वायस वर्षा किया आपने कहा कि इन पे मैं हक हाँ रखता हूं लेकिन चूंकि अब ये मेरे बच्चों की मानंद थे और मुझे अल्लाह ने वसत दी है तो इनका कर्ज भी मैं उतारूंगा हालांकि होना तो चाहिए था कि बच्चे अपने रूहानी बाप के लिए कुर्बानी पेश करते हैं, हमारे पीर हमारे रूहानी बाप वो हैं जो अपने बच्चों पे लगाया करते थे और तुम्हारे पीर वो हैं जो ना तुम्हारा माल छोड़ते हैं ना तुम्हारी इज्जत छोड़ते हैं फिर मैं कहने में हक हाँ बुझाने हूं कि मेरा नबी सा हाई कोई नहीं तेरे बाबे ते शे कोई नहीं तो नबीर इस्लाम कर्ज उतारते खुद और फिर जनाजा पढ़ाते ये मैंने जिमन आपको बता दिया खुदकुशी वाले के यानी जनाजे के एतवार से और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अब खुदकुशी वाले की मफरत का मामला क्या होगा जनाजा तो पढ़ लिया तो जहरा उसमें दुआ मफरत की तो इट मीनस कि है वह मुसलमान है एक हदीस है सही मुस्लिम के अंदर एक सीनियर असहाब में से थे साबिकून अल वलून में से वो हिजरत मदीना में भी शामिल थे उन्हें कोई तकलीफ थी उस तकलीफ से तंग आकर उन्होंने अपने हाथ की रग काट के खुदकुशी कर ली अब जाहिर है कि एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था एक मुहाजिर साहबी है तो उसके जो दूसरे साथी थे जिन्होंने उनके साथ हिजरत की थी कुछ अरसे बाद उन्होंने ख्वाब में उनको देखा तो पूछा कि तेरे साथ क्या मामला हुआ उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने हिजरत की बरकत से इस्लाम का साथ देने की बरकत से माफ कर दिया अलबत् उसने वो अपना हाथ जो था ना वो छुपा रखा था तो उसने पूछा कि ये क्या हालत है तेरी तो उसने कहा कि सवाए इस हाथ के इसको अल्लाह ने ठीक नहीं किया और कहा कि ये तो तूने खुद खराब किया था इस वजह से ये वाला जो मामला है तेरे साथ जन्नत में भी रहेगा अब नबी नबीसलाम को जब उनने ख्वाब सुनाई तो जाहिर है जहर नबीसलाम उसकी ताबीर बयान फरमा रहे थे और आपको वही की तईद हासिल थी तो आप आप्लाम ने उस ख्वाब को सुनने के बाद कहा कि अल्लाह उसके हाथ को भी दुरुस्त फरमा दे हजूर ने दुआ कर दी उसके लिए अच्छा इससे यह भी चीज साबित होगी कि खुदकुशी वाले के लिए दुआ मफरत भी की जा सकती है दूसरा कि नबी का सहाबी होकर भी इतना नेक इंसान होने के बावजूद हिजरत वालों में शामिल होने के बावजूद अगर वो गलत काम करता है तो अल्लाह ताला के साथ किसी की कोई रिश्तेदारी नहीं अल्लाह ताला उसके ऊपर गिरफ्त फरमा सकता है और तीसरा हमारे नबी सल्हसम की शफकत कि आपने उसके लिए दुआ की कि अल्लाह तक हाथ को भी दुरुस्त कर दे तो ये मैंने सारी बातें इसलिए डिस्कस की कि आप लोगों के खानदान में भी जानने वालों में बाजुकात इस तरह के वाकयात हो जाते हैं फिर लोग खुदकुशी सुइसाइड करने वालों के शरी अहकाम पूछ रहे होते हैं तो मैंने इस हवाले से जितनी चीजें जुड़ी हुई थी वो खोल के बयान कर दी इलमी पॉइंट नंबर फाइव वो है मेरे भाइयों जनाजे के फौरन बाद दुआ का मामला वो आपको पता है तारे जमीर साहब ने दुआ की जनाजे के फौरन बाद अब ज़ाहिर ब्रिल्वियों को तो मौका मिल गया उन्होंने पकड़ के फिर क्लिप्स बनाने शुरू कर दिए उन्होंने उनके उलमा ने कहा के देखें आप लोगों ने हमें बिदत के नेजे की नोक पे पिछले सौ साल से रखा हुआ था कि जनाजे के बाद दुआ करवाना बिदत है बरेलवी देवबंदियों का ये झगड़ा चल रहा है हालांकि ये एक बिल्कुल नॉन किस्म का झगड़ा है क्योंकि देवबंदियों से ये पूछें जो आप फर्ज नमाज के बाद इजबाही दुआ करते हैं रूटीन से बिदत तो वो भी है साबित तो वो भी कोई नहीं हाँ कभी कभार कोई वसीला और तवसल के तौर पर हो जाए तो जायज़ है लेकिन बस एक निशानी बना ली कि हदीस दोनों नहीं करते बहुत अच्छी बात है देवबंद ने अपनी मर्जी वाली दुआ ले ली अपनी मर्जी से वो भी किसी दलील के बगैर फर्ज नमाज के बाद जनाजे वाली छोड़ दी और ब्रैलियों के पर इल्ज़ाम लगाया कि ये बिदत कर रहे हैं आपने देखा होगा बाजुकात जनाजे होते हैं तो बरेलवी दुआ मांगते रहते हैं और बीच में से देवबंदी वाले लदीस निकल जाते हैं इधर से तो कोई भी नहीं निकला तारा जमीर साहब खुद दुआ करवा रहे थे फिर ब्रेलवियों ने पकड़ के उनके लॉग्स बनाए उन्होंने कहा कि देखें अब आप लोगों के बुजुर्गों की गलतियों के ऊपर आपको खुद रुझू कर लेना चाहिए क्योंकि तार जमीर साहब ने दुआ करवाई है इट मींस कि हमारा मसलक दुरुस्त है यानी इनके नजदीक मसल यह है कि कोई बुजुर्ग कोई काम कर दे कोई आलिम काम कर दे कुरानो दीज से कोई लेना देना नहीं ना देवबंद का ना ब्रिलवियों का होना तो चाहिए था को दलील से बात करते नमाज जनाजा के फौरन बाद दुआ मांगना उसी जगह पर ये बिल्कुल कोई साबित नहीं है एक रवायत ये अब से लेके आते हैं और इतनी बेईमानी करते हैं वह जनाजे वाले चैप्टर में सुनबी दउद में है नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब तुम अपने भाई का जनाजा पढ़ो तो खलूस से दुआ मांगो उसके लिए यानी वो जनाजे के अंदर जो दुआ है ना वो खुलूस से मांगो इनको पता था इन्होंने जान बूझ के वो अल्फाज उठाए कि जी जनाजा पढ़ो तो दुआ मांगा करो और वो दुआ बाद वाली दुआ जो अपनी इनके बाबों की जारी करता थी ना उसको पकड़ के उसमें फिट कर दिया हालांकि एक आम आदमी जिसको उर्दू पढ़नी आती है ना थोड़ा सा भी उसको इल्म हदीस से शगफ है और उसे पता है कि कौन से चैप्टर में कौन सी चीज आती है वो चैप्टर कौन सा है वो खुद पढ़ के देखे उसे आइडिया हो जाएगा कि बिल्कुल फ्रॉड किया है इन्होंने अलबत्ता सो नबी दाऊद में ही एक हदीस मौजूद है कि इस्लाम किसी सहाबी को दफना कर जब फारिग हुए तो आपने उसकी कबर पर खड़े होकर फरमाया कि अब अपने भाई के लिए कबर के सवालत में इस्तकामत की दुआ मांगो उससे कबर में सवाल होगा आजमाया जाएगा तो दफनाने के बाद कब्र के ऊपर खड़े होकर इजमाई दुआ करना उस मैत के लिए कि उसे कब्र के सवाल में आसानी हो यह सुन्नत है यह सुनबी दउद के अंदर मौजूद है जनाजे के फौरन बाद दुआ करना उसी जगह पर या फर्ज नमाज के फौरन बाद दुआ करना उसी जगह के ऊपर यह दोनों कोई साबित नहीं है लिहाजा ब्रिल्वी और देवबंदी दोनों अपने इस अमल में गलत है ना कि यह कि वह एक दूसरे से दलील हासिल करें भाई दलील कुरानो सुनने से पेश करें इज्जतें तुम लोगों ने अवेल की हैं कुरान सुन्नत के नाम के ऊपर चंदे तुम लोगों ने बटोरे हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर अज्जा वजल्ला वही वसलम सवारियां सवार की हैं तुम लोगों ने मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर और फेंकी हैं जाके बरेली में देवबंद में अजमेर में बगदाद में गद्दारी की है तुम लोगों ने अपने नबी के साथ तो देख लो फिर अल्लाह तला ने तुमसे कैसा बदला लिया है मेरी जैसी बुला तुम पे मुसलत कर दी है मेरे नबी सा है ही कोई नहीं तेरे बाबे थे शायी कोई नहीं तो मुझे इतना दुख हो रहा था और फिर अब देवबंद के उलमा की भी जिम्मेदारी है कि वो आके हक बात को एक्सेप्ट करें अब वो ना बिलों में घुसे हुए हैं ब्रेलवी उनको निकाल रहे हैं बाहर निकलो बाहर अब वो ना तारे जमीर साहब के ऊपर फतवा लगा सकते हैं और ना अपने उस अमल को गलत कह सकते हैं जो पहले करते रहे ब्रेलवियों को मौका मिल गया वो चढ़े हुए उनके ऊपर तो हम तो दोनों को कुरान और सुन्नत की तलीमत के खिलाफ समझते हैं कुरान सुन्नत से दलील पेश करनी होगी किसी के जाति इजतहाद को जाति क्यास करने को दीन का नाम नहीं दिया जा सकता क्यास और इजतहाद उस वक्त आता है जब कुरान सुन्नत या इजब उम्मत में कोई चीज ना मिले अच्छा इसके ऊपर पता है आपको क्या कहेंगे जी कुरान में उदूनी अस्तजिब लकुम ए मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा तो ये तो जनरल हुक्म है जिस टाइम मर्जी आप दुआ मांगे कोई मसला नहीं है और फिर साथ आपको ये कहेंगे कि दुआ मांगना कोई गुनाह का काम तो नहीं है हम नेकी का काम ही कर का रहे हैं ना तो बताओ ये मना किधर है अच्छा अब जब ये इस किस्म का एक मंतिक के ऊपर मबनी क्वेश्चन करते हैं जिसका कुरानो सुनने से कोई लेना देना नहीं तो जो बेचारे दीन का थोड़ा सा इल्म रखने वाले लोग हैं वो फौरन परेशान हो जाते हैं कि बात तो ठीक है मना तो कोई नहीं और दुआ करना कोई गुनाह का काम तो नहीं है तो इन्हीं से पूछा करें कि अजान देना क्या गुनाह का काम है बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है जब अजान दी जाती है ना तो शैतान की हवा खारिज हो जाती है और वह वहां से भाग जाता है तो ये बरेलवी हजरात ईद की अजान क्यों नहीं देते मत कहते हैं डायरेक्ट नमाज पढ़ते हैं वो कहेंगे वो इसलिए नहीं करते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की अजान नहीं दी उन्हें कही ये तो आपका क्राइटेरिया ही नहीं है आप तो कहते हैं कि अजान नेकी का काम है आप ये बताएं कि इस्लाम ने अजान देने से मना किधर किया टाइम क्या मत आग जाए देखा कैसा चकवटे मैं इन्होंने कहेंगे नहीं इस तरह दी तो कोई गाल नहीं है हाँ आए दल है मान जाएंगे फिर खुद कि ये डेफिनेशन हमारी गलत थी फिर उन्हें बताएं कि भाई हमारे पास मना करने वाली हदीस भी है सही मुस्लिम में 2005 नंबर हदीस है और ये मौकूफन सही बुखारी के अंदर भी मौजूद है कि नबीसलाम जब भी मेबर पर चढ़ते आप सल्लाम की आंखें सुर्ख हो जाती आवाज बुलंद हो जाती गुस्से में इजाफा हो जाता जैसे कोई जर्नैल अपनी फौज को तैयार कर रहा है और आप फरमाते हैं कि मैं और क्यामत इस तरह साथ भेजे गए हैं जिस तरह ये दो उंगलियां और फिर नबीस्म का जो खुतबा उसमें नकल हुआ और ये खुतबा इमाम जाफर ने इमाम सदकाम बाकिराम से और उन्होंने जाबे बिन अब्दुल्ला से नकल किया किताबुल्ल वी मुहमद वमोरी महदसात بِدْعَةً بِدْعَةً सही में भी है और सुनन-नसाई के अंदर भी आगा हो जाओ सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है सबसे हदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लम का है बदतरीन काम वो है जो खुद से दीन में दाखिल कर दिए जाएं। इस तरह के तमाम काम बिदते हैं तमाम बिदते गुमराइयाँ हैं और तमाम गुमराइया जहनम में ले जाने वाली है यानी नबील इस्लाम कह रहे हैं जो मैं तालीम करूंगा ना वही हदायत पे मबनी तरीका होगा उससे बढ़कर कोई भी करने की कोशिश करेगा वो बीत है आप फजर के तीन फर्ज पढ़ेंगे आपका एक भी नहीं होगा आप बेशक ये कहते रहे कि दो दे पढ़े ना एक मैं अपने को लू चलो एक फालतू हो गया एक भी नहीं होगा क्योंकि नबील इस्लाम के तरीके के ऊपर नहीं है खैर यह लक्ष्य एक टॉपिक है इसमें फिर और काफी सारी चीजें जुड़ी हैं उसके लिए आप मेरी तफसीली वीडियो देख लें अच्छी बिदत और बुरी बिदत और इस्लाम में जो अच्छा तरीका जारी करना है वो तो जायज़ है अच्छी बिदत नहीं तरीके से मुराद है स्पोर्टिव हो जिस तरह इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने किताबी शक्ल में हदीस लिखी है लेकिन हदीस वही है जो नबी इस्लाम की थी हमने और वैल्यू एडिशन किया है हमने कैमरे में वीडियोज रिकॉर्ड करवा दिए लेकिन बात वही है जो कुरान सुनत में लिखी हुई है ये इस्लाम में अच्छे तरीके हैं इनके बारे में अलग से सही मुस्लिम हदीस है जो इस तरह का काम करेगा उसे सवाब मिलेगा और जितने लोग उस पर अमल करेंगे उन तमाम का स्वाब उसको मिलेगा और उनके भी स्वाब में कमी नहीं होगी और जिसने बुरा तरीका जारी किया उसमें अल्फाज है सुन्नतन हसनतन और सुन्नतन सही आतन अच्छी सुन्नत और बुरी सुन्नत यानी सुन्न से मुराद तरीका अच्छी बिदत बुरी बिदत नहीं है बिदत तो सारी की सारी फ्रॉड है बिल्कुल वाज हदीस है बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर नबी वसल्लम ने फरमाया मन अहद सफी अमरीना हादा फ रद्दम जिसने हमारे दीन में कोई चीज दाखिल कर दी वो मरदूत है आप हवाई जहाज में जाए हज करने के लिए आप ऊंट पे जाए दीन में कोई चीज दाखिल नहीं हो रही क्योंकि वहां जाके आपने वही एक्टिविटी परफार्म करनी है जो नबीसलाम ने की सात चक्कर काटने हैं सफा मरवा की सही है वह सारी चीजें एहराम जब दीन में दाखिल कर देंगे यानी सात के छह चक्कर कर दें या उन चक्करों में आप या महीनो चिश्ती पार लगा दे किश्ती पढ़ना शुरू कर दें मैंने अपने गुनागार कानों से सुना हुआ इंडिया के एक बूढ़ी और बूढ़ा जोड़ा आया हुआ था वो तवाफ के चक्करों में ये पढ़ रहे थे और भाई इससे बढ़ के तो वो एक पीर साहब ने कहा था कि कुछ ना आता हो तो वाभिया नु गाना कटिया कर करो तीन तवाफ के चक्रांच नहीं है तो वीडियो नहीं आप लोगों ने देखी ये इन लोगों का इलमी लेवल है ये आपको दीन सिखाएंगे और ये आपको जन्नत में लेके जाएंगे आप तो टूट जाओ पहले जन्नत ही चा। तो ये जो बिदत वाला जो मामला था मैंने तफसील के साथ इसमें वो कभी तरावी की जमात की बात करते हैं कभी जुम्मे की दूसरी जान की ये सारे के सारे धोखे दिए मैं झूठ बोल रहे होते हैं आपसे वो बात कुछ और थी कुछ और बना के पेश करते हैं उस पर अलग से मेरी वीडियो है इन शाह हम थम ने अटैच कर देंगे इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे वो आप देख लीजिएगा आपकी तबीयत इन शाला इस हवाले से साफ हो जाएगी पॉइंट नंबर सिक्स और वो है तारे जवीर साहब ने कुरान खानी की अनाउंसमेंट खुद की और फिर कुरान खानी हुई बहुत बड़ा पिंडाल सजाया गया एंड पे उन्होंने उसमें कुछ वाक्यात भी सुनाए और दुआ भी की यहां पे भी अब ब्रेलवियों को मौका मिल गया उन्होंने कहा कि देख लें जी कल तक हमें ही कहते थे कि जी कुल करवाना तीजा करवाना चालीसवां करवाना कोई साबित नहीं है तो देखें साबित हो गया यानी ये यह साबित हुआ कि तारजमीर साहब ने किया तो साबित हो गया अच्छा कल को मैं तारजमीर साहब से अगर इस पर रुजू रिकॉर्ड करवा दूं तो क्या ब्रेलवी वापस आ जाएंगे सूलत तो होना चाहिए ना कि आ जाए वापस नहीं आएंगे और भाई इस तरह चीजें साबित होती हैं कुरान सुन्नत के दराल से साबित होती हैं लेकिन वो अपनी जगह दुरुस्त है बिरलवी वो कह रहे हैं कि भाई अगर इन्होंने किया है तो द्योबंदी इन्हें गलत कहें और अगर गलत नहीं कह रहे तो फिर जो हम पे फतवे लगाते रहे हैं, वो गलत लगाते रहे हैं। और हकीकत बात यह है के द्योबंदी कुरान खानी के कायल है द्योबंदी कुरान खानी या दुआ होगी कह के कुरान खानी करवाते हैं और ब्रिल्वी उसे तीजा और चालीसवा और दसवां के करते हैं काम दोनों यही करते हैं नाम मुख्तलिफ है लिहाजा ये जो कुरान खानी वाला मामला हुआ है ना इसमें कोई सीख पा होने की जरूरत नहीं है जो बंदी पहले ही कुरान खानी के कायल हैं लेकिन वो नाम नहीं देते स्वयं का चेहलम का तीजे का चालीसवें का या दसवें का या जुमरातों का लेकिन करते हैं वो भी अनाउंसमेंट करते हैं और उसके बाद कुरान खानी करते हैं हां शरी तौर पर ना तीजा साबित है ना दसवां ना चालीसवा और ना इस तरीके से कुरान खानी करके किसी को इसाले सवाब करना ये बिल्कुल कोई साबित नहीं है इस साले सवाब करने का ये तरीका ही नहीं है इस पर मेरी तफसी वीडियो है इस साले सवाब के दस तरीके जो सुन्न तरीके हैं नबील इस्लाम की तीन बेटियां आपकी अपनी जिंदगी में फौत हुई हैं आपने अपने मुबारक हाथों से उन्हें दफनाया सयदा जैनब उम्मेक उलसूम और रुकैयासलाम अजमाइन आपने किसी का तीजा दसवां चालीसवां कुरान खानी मजार बनवाना गुम्बद बनवा देना कब्र पक्की कर देना कुछ भी नहीं किया सब कुछ फ्रॉड चल रहा है लिहाजा दलील कुरान सुन्न से पेश की जानी चाहिए अब इसकी आड़ में फिर पता ही क्या कहते हैं देखें जी इनकी तो हालत यह है कि मर गया मरदूत ना फात्या ना द्रूद शेर बनाए हुए हैं यानी आप कुरान सुन्न से बात करते हैं इन्होंने कोई स्लोगन बनाए हुए हैं कोई इशार बनाए हुए हैं तो इन्हें बताएं कि अल्लाह के बंदो जो चीज नबी इस्लाम ने तालीम फरमाई है उससे कौन इनकारी है अहले ईमान का हक है जो फौज शुदगान है उनका यह हक है कि जो जिंदा लोग हैं उनके लिए दुआए मफरत करें कुरने पाक में अल्लाह तला ने वाजे फरमाया और अब नगफिल्लाना वाली इकवान इन सबकू ना बिल ईमान ईमान की निशानी है कि वो अपने से पहले जो फौज शुदगान है उनके लिए दुआएं मफरत करते हैं फिर देखें बुखारी मुस्लिम में इस्लाम का फरमान मौजूद है कि मुसलमान के मुसलमान पे पांच हक हैं उनमें से एक हक यह है कि जब वो मर जाए तो उसका जनाजा पढ़े तो सबसे पहले जो इसल सवाब वाला मामला है वह जनाजे की नमाज है जिसमें आप उसके लिए दुआ बफरत करते हैं अल्लाहफली व मैदीना व शाहिदीना व सगीना व कबीरना वमन तह मन्ना फहीस्लाम वम तब तह मुन्ना फतव आडल ईमान तो ये पहला हक रख दिया उसके बाद सुनबी दाऊद में हदीस के कबर पे जाके कब्र के सवालोंत की इस्तकामत के लिए दुआ मांगो इसी तरीके से फिर सही मुस्लिम में हदीस के जब भी कब्रिस्तान जाओ तो दुआ मांगो अस्सलाम अहल अहले दीआर मिनल मुस्लिमीन व वा इन्ना इन्शाअ अल्लाह बिकुम ला दाहिकून नसअल्लुल्लाहा लना जब भी कब्रिस्तान आपने जाना है और अगर कब्रिस्तान नहीं भी गए आम हालात में भी आपने अपने नमाज के तशूद के अंदर भी दुआ मांगनी है रबना आतीना फिर दुनिया हसन वफिल आखिरत हसन तुम वकीना आदा बनारकीम सलातीमिनयती वाली वालीब जितनी भी दुआएं आप पढ़ सकते हैं तशहद के अंदर तो बुहारी मुस्लिम अदीस है जब तुम तशहद पढ़ चुको दुरूषी पढ़ चुको तो जो चाहो अपने रब से मांगो जितनी भी सुन्नत दुआएं हैं में और अदीस में वो आप पढ़ सकते हैं तो ये तो रोजाना पढ़नी चाहिए खा किसी के मां बाप जिंदा हैं या फौत हो चुके हैं उन्होंने दुआ मांगनी ही मांगनी है उनके लिए तो दुआ से कोई शख्स अपने आप को बेनियाज नहीं कर सकता सुनबिन बाजा में हदीस है कि एक शख्स का मरने के बाद जन्नत में दर्जा बुलंद किया जाता है तो वह कहता है या अल्लाह यह तो मेरा अमल ही नहीं था तो अल्लाह तला फरमाता है कि तेरे बेटे ने दुनिया में तेरे लिए इस्तार की उसकी वजह से मैंने तेरा ये मरतबा बुलंद करती है ये सही हदीस है बिल्कुल तो मरने के बाद भी नफा पहुंचता है सही बुखारी में मौजूद है सुनन नसाई के अंदर और कई हदीस की किताबों में साबन उबादा जो खजरत के सरदार थे वो नबीलाम के पास हाजिर हुए यारसल्ला में सफर पे था पीछे से मेरी वालदा फोत हो गई मैं चाहता हूं कि उनकी तरफ से कोई ऐसा नेकी का काम करूं कि उन्हें उनके भरने के बाद भी सवाब पहुंचे तो मैं चाहता हूं उनकी तरफ से कुआं खुदवा दू तो वो उम्मे साद का कुआं, यानी साद की मां का कुआं, कुँँ, वो कुआं मशहूर हो गया नबील इस्लाम से उन्होंने पूछा सुल्ला, अगर मैं ये करूं तो क्या मेरी वालदा को उसका सवाब मिलेगा आपने फरमाया हां मिलेगा तो सदका और खिराद कर सकते हैं दुआ कर सकते हैं इस साले के दस तरीके आप मेरी वीडियो देखें तो ये बिल्कुल एक झूठा इल्जाम है कि जो कुरान और सुन्नत के मानने वाले लोग हैं वो फौज शुदगान के लिए दुआ के कायल नहीं है हम उस तरीके पे कायल हैं जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु सल वसल्लम ने तालीम फरमाया ना कि आपके बुजुर्ग बाबू की तालीम पे इल्मी पॉइंट नंबर सेवन और वो है उन्होंने जो मैत की कुल खानी कह लें या कुरान खानी कह लें उसके ऊपर दो ख्वाब सुनाए एक उन्होंने आसिम का अपना ख्वाब सुनाया जो उसने वफात से एक दिन पहले देखा था इस्लाम की ज्यारत की चले कोई वो बात समझ आने वाली थी लेकिन जो दूसरा ख्वाब उन्होंने सुनाया ना कि जी एक पिशावर के मौलाना साहब हैं और वो मेरे बेटे को जानते नहीं हैं उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया है कि आसिम जो है नबी इस्लाम के पास पहुंच गया है और अल्लाह ताला से भी मुलाकात हो गई और अब देखें वो जो मौलाना साहब हैं उनके बारे में वो जिक्र कर रहे हैं तो जिक्र करते हुए कहते हैं कि जी वो मौलाना साहब वो हैं जो रोज़ाना एक लाख दफा दुरुशरीफ़ पढ़ते हैं अब जैसे ये बात उन्होंने की है तो वो तो खुद ब खुद हमें डाउट में डालने वाली बात है कि वो रावी जो है जो बयान करने वाला है वो तो अब सिक और सुदूक नहीं रहा जो ये दावा कर रहा है कि मैं एक लाख दफा रोजाना द्रू पढ़ता हूं कितनी हैरान हैरानकुन बात है ये जो ख्वाब में नबी इस्लाम की जियारत है इसको मैंने आखिरी पॉइंट रखा हुआ था यह क्रिटिकल इशू है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा यह मैं इलमी पॉइंट नंबर सेवन डिस्कस कर रहा हूं क्या एक लाख दफा दुरूशी रोजाना पढ़ना मुमकिन है जी मुमकिन है अगर आप देवबंदी और बरेलवी हैं जी जब फजायल अमाल में लिखा है कि बाज बुजुर्ग ऐसे थे जो रोजाना तीन कुरान बाज बाज पांच और आठ कुरान भी रोजाना पढ़ते थे जी आठ कुरान अगर रोजाना पढ़े जाए तो आलमोस्ट साढ़े छह हजार आयात हैं कुरान की तो आठ को जरा साढ़े छ हजार से जरा दें तो पचास हजार से ज्यादा आयात बनती हैं रोज की तो आपको आए तो अक्सर आयात जो है वो द्रूशीफ से लंबी है बल्कि कई कई गुना लंबी आयात है तो अगर इसकी आप लेंथ कैलकुलेट करें ना रोजाना आठ दफा कुरान पढ़ने की तो फिर तो भाई दो लाख दफा भी द्रूषी पढ़ा जा सकता है रोजाना जो आठ कुरान रोजाना खत्म कर सकते हैं एक लाख दफा द्रूसीफ शाही कोई नहीं सामने हालांकि सिंपल सी कैलकुलेशन है मेरे भाइयों 24 घंटे में छियासी हजार चार सौ सेकेंड होते हैं ये बचपन से हमें एक रटा लगवाया गया अपनी साइंस की किताब में वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं एक घंटे के अंदर साठ मिनट है हर मिनट के अंदर साठ सेकेंड है साठ जरा साठ करें 3600 आ जाएगा और टोटल घंटे हैं 24 इसको 24 से मल्टीप्लाई करें 86,400 सेकंड्स बनते हैं 24 घंटे में अगर कोई शख्स एक सेकंड में एक दफा भी दुरुशी पढ़े और 24 घंटे पढ़ता रहे तब भी वो एक लाख का अदद क्रास नहीं कर सकता कोई एक दफा कर नहीं सकता है, कोई इतकाफ करके बैठ जाए हा रोजाना की बात तो फिर बाद की है एक दफा चले को बैठ भी गया है। छोटे से छोटा भी कोई दुरूद पड़ेगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना इसको पढ़ने के लिए भी आपको दो से तीन सेकंड चाहिए अदरवाइज आप तो वो तोड़ के पढ़ रहे होंगे ना जाहिर है आपने अगर अल्फाज पूरे अदा नहीं किए वो द्रू शरीफ नहीं है आप तो खुद लानत कमा रहे होंगे अगर आपने अफाज ही तोड़ दिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या चले कोई आल के बगैर पढ़ता है कोई नासबी टाइप किस्म का कोई द्रूषी पढ़ने वाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह भी को पढ़ता है तो तब भी डेढ़ दो सेकेंड तो चाहिए और तेजी से भी आप पढ़ेंगे पहली तस्वीर तो सो वाली आप खेज लेंगे उसके बाद जो आपको सांस चढ़ेगा अगली दफा हो सकता है तस्वीर इतनी जल्दी पूरी ना हो फिर भी चौबीस घंटे में आप नहीं पढ़ सकते अभी तो मैं ये कह नहीं रहा कि उसने सोना भी है नमाज भी पढ़नी है नमाज पढ़ना तो फर्ज है ना दुरूषी पढ़ना तो फर्ज नहीं ना सवाए नमाज के नमाज में फर्ज है नमाज के अलावा तो नफली इबादत है और बाकी काम भी करने हैं तो ये बिल्कुल झूठ है और अब जो लोग इसका प्ली ले रहे हैं कि देखें जी ये अपने बुजुर्गों के लिए तो एक लाख दफा द्रूषी मानते हैं तुम्हारे तो बुजुर्गों के लिए मानते हैं और भाई दोए हाँ, हाँ। पुत्र तू क्यों फेल होया अबा जी थोड़े तो दोस्त का मुंडा भी फेल हो गया हाँ। भाई दोए फेल हो यो यो। हाँ। तो भाई ये बिल्कुल फ्रॉड है ना इस तरीके से कोई मामलात होते हैं हमने सुन्नत अजगार के ऊपर ये कार्ड्स बकायदा लिखे हैं पीडीएफ फॉर्म में है एप्स में रखे ब्लू कार्ड आखरत का सुबह शाम के सुनत असगार और ये ग्रीन कार्ड फर्ज नमाज के बाद के असगार ये जो सुबह शाम के असगार है आपको नबी इस्लाम का कोई भी वजीफा मिलेगा तो होगा कि एक दफा पढ़ लिया जाए तीन दफा पढ़ लिया जाए दस दफा पढ़ लिया जाए तैतीस दफा पढ़ लिया जाए हद जो आपको मिलती है वो सौ दफा है सौ दफा सुबह सौ दफा शाम बस सवा लाख दफ़ा आयत करीमा पढ़ना इस तरह के कोई वजायफ नहीं है ना रोज़ाना इतना एक लाख दफ़ा द्रूषी पढ़ना भाई द्रूषि आप पढ़ सकते हैं वो हदीस ठीक है जाम तिरमजी में कि क्यामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा नज़दीक वो होगा जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद पढ़ा होगा अल्लाहमदली मोहम्मद उम्मद वह अपनी जगह है मैं ये नहीं कह रहा कि सौ से ज्यादा दफा पढ़ा नहीं जा सकता पढ़ सकते हैं आप पढ़ना चाहिए लेकिन यह कहना है कि लाख दफा रोजाना तो भाई उस दिन से डरे कि गोरों को उर्दू आ जाए या आपको अंग्रेजी आ जाए या आपको मजाक ही उड़ाया जाएगा और बाकी जो लोग अपने बुजुर्गों की वजह से इनका मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें भी शर्म करनी चाहिए तुम्हारे बुजुर्गों ने भी इस किस्म के झूठ अपने बारे में मशहूर किए हैं कोई कहता है जी चालीस साल तक ईशाह के बुजुर्ग से फजर की नमाज पढ़ी ंदाजा करो किस सुनत के ऊपर अमल किया बिदात को इन्होंने नेकी का नाम दिया हुआ तो ये इस तरीके से कहना के लिए एक लाख दफा द्रुषि पढ़ लिया तो ये तो इसके बाद वो जो भी ख्वाब बयान कर रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी आप खुद ही समझ सकते हैं अब होना तो चाहिए हुकूमती लेवल के ऊपर इन लोगों को बिठाया जाए उन्हें कह हाँ बेह है थे चेबी कैठे जरा हाँ। तो पढ़ उची बात ही जरा दरू शरीफ मैं भी सुना जरा एक लाख किस तरह पूरा होता है अब आप ये बातें करें कहते हैं जी करामत है अच्छा जी करामत है जी बरेलवियों की हो तो बिदत है तो अड़ी हो तो करामत है हाँ ये कौन सी करामत है भाई हां अगर करामत ये है ना कि आप तीन दफा सूर्य खिलास पढ़े और एक कुरान का स्वाब तो ठीक है समझ आती है कि आपके बुजुर्ग आठ कुरान पढ़ लेते से जो माल में लिखा हुआ है आठ चवी, चवी लेकिन वो ये नहीं लिखा वो आपको भी पता है तो खैर ये तो आप दावत इस्लामी वालों के पास जाएं तो उनके पास तो एक एक द्रूज जो है वो दस दस लाख के बराबर स्वाब वाला मौजूद है उधर तो पैकेज ही बड़े फिट किस्म के हैं हाँ जिस तरह ये तो सही पैकेज है ना जो बुखारी मुस्लिम में आए कि जो एक दफा सूर्य खिलास पढ़ता है तिहाई कुरान के बराबर है तो दफ्त इस्लामी वालों ने तो बकायदा वो द्रू शीफ के कार्ड हम खुद भी पढ़ते थे जनाब इतने लाख दफा दरूद पढ़ने का सवाब एक दफा पढ़ लो तो मेरे ख्याल है तारजबीर साहब को उस मौलाना साहब से पूछना चाहिए कि एक लाख दफा गिनती करके पढ़ते हो या कोई ऐसा दरूद पढ़ते हो जिसका सवाब एक लाख के बराबर है हाँ ये भी हो सकता है जे बचाना जे ना इन्हों ही कवो हाँ वरना कूड़ मार रहे जे सारे आखिरी इल्मी पॉइंट नंबर एट और वो इसी के साथ जो जुड़ा हुआ कि नबील इस्लाम की ख्वाब में जियारत एक सेंसिटिव टॉपिक है लेकिन इस टॉपिक की क्रेडिबिलिटी अब ये रह गई है कि अगर बरेलवी देखें तो देवबंदी कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं इन्होंने नबील इस्लाम को नहीं देखा और अगर द्योबंदी देख ले तो ब्रिल्वी कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं अले दीसू तो वैसे ही नहीं होना यही कहेंगे ना कहते जी इन्होंने कितु तो ज्यादा होनी है ये मुन तो मुनकर रहे इससे ज्यादा फिर अब इसकी क्या अहमियत रहेगी कि जब आप एक दूसरे के नहीं मान रहे आप देख रहे वो बापा जानी की भी वीडियो बकायदा एक बंदा सामने खड़ा होता है बापा जानी मुझे नबील इस्लाम की तरफ से आपके लिए एक पैगाम मिला है कि दीन का काम इसी तरीके से करते रहो तोबा, तोबा ए दीन का काम करता जे बंदा बाबा जी की घोड़ी जेड इस किस्म समय तावीजात रुपया दसदा ये दीन का काम हो रहा जे अंदाजा करो अल्लाह से डरो यार दीन दीन का इससे ताल्लुक है ठीक है जो जहां की स्टोरियां सुनाना और इसको आपने दीन बना दिया नबील इस्लाम कहेंगे कि काम जारी रख दो तो। तोबा 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 अंदाजा करें तो ये ख्वाब सारे बयान करते हैं यहां पे भी ये जो तारजमी साहब को अगर किसी ने बताया भी था भाई ख्वाब इसलिए नहीं आपने लोगों को बयान करने अगर सपोज ठीक भी हो तब भी ये उस शख्स के लिए बिछा रहता है इसको पब्लिकली ना जिक्र करें क्योंकि अगर आप जिक्र करेंगे तो इसका मतलब यह है कि फिर दूसरों को भी आप मौका देंगे कि जब वो जिक्र करें तो फिर आप भी मानेंगे और बैग वक्त अगर दोनों के ख्वाब एक दूसरे के मुखालिफ पार्टियों के सही निकल आते हैं तो इसका तो बड़ा खतरनाक मतलब निकल रहा है कि आप दोनों ही झूठ बोल रहे हैं क्योंकि दोनों ठीक नहीं हो सकते दोनों ठीक तो आप एक दूसरे को मानते ही नहीं है हाँ आप दोनों के खराब होने के ऊपर बाकी फिरकों का इतफाक होगा तो ये आप घड़ रहे हैं या फिर ये एक समझ लें प्योरली एक मेडिकल इशू है नबी इस्लाम की जियारत के हवाले से जो अक्सर लोगों के साथ होता है ख्वाब में आज भी नबी इस्लाम की जियारत मुमकिन है लेकिन उसकी चंद शरायत है उनके साथ हम एहल वाला मौके नहीं रखते कि भी सिर्फ साहबा कर सकते थे नहीं साहबा के बाद भी कई लोगों ने जारत की है हदीस की किताबों में नकल हुई है लेकिन वो शरात के साथ होगा बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाब जो है ये नबूत का छियालीसवां हिस्सा है यानी गैबी खबरों का छियालीसवां हिस्सा है ख्वाब अंबिया के केस में तो वही इलाही होते हैं उनमें शैतान की कोई दखल नहीं है लेकिन गैर अंबिया का ख्वाब भी नबूत का यानी गैबी खबर का हिस्सा है लेकिन वो साथ ही बुखारी मुस्लिम कि खाब की फिर तीन इकसाम हैं अल्लाह की तरफ से शैतान की तरफ से और नफ्स की तरफ से जो आप ज्यादा सोचते हैं वो ही आपको ख्वाब में नजर आ जाता है जब आप रोजाना बैठ के ये वजीफा कर रहे हैं कि इस वजीफे से मुझे नबील इस्लाम की ज्यारत होनी चाहिए और इतना आप इसको सोचते हैं तो कुछ ना कुछ तो ख्वाब में नजर आ जाएगा और शैतानी ख्वाब के बारे में नबी इस्लाम ने फरमाया कि तीन दफा थूक लो बाई तरफ यानी प्रैक्टिकली नहीं बस ऐसे कर ले तीन दफा और उस बुरे ख्वाब का जिक्र किसी से ना करो बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरी वफात के बाद अब नबूत की खबरों में से सिर्फ ख्वाब मुबशरात बाकी है पूछा गया मुबशरात क्या है तो फरमाया ख्वाब जो अल्लाह तला अपने बंदों को दिखाएगा लेकिन जाहिर है कि जब तक वो स्टैब्लिश नहीं होता आप कंफर्म तो नहीं बता सकते ख्वाब में अगर आपको मुस्तबिल की कोई खबर दी गई है तो इसका यह कतन मतलब नहीं कि यह प्रैक्टिकली हो भी जाएगी जब तक हो ना जाए हो जाए तो फिर आप कह सकते हैं हां जो ख्वाब मैंने देखा था वो बिल्कुल दुरुस्त था तो गैबी खबर ख्वाब की शक्ल में आज भी जा रही है और स्पेसिफिकली नबील इस्लाम के वाले से बुखारी मुस्लिम में मौजूद है अल्लाह के महबूब सलम ने फरमाया जिस शख्स ने मुझे ख्वाब में देखा मेरी शक्ल में तो उसने मुझी को देखा मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता अच्छा इस हदीस के साथ ही इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम ने रावी हदीस मोहम्मद इब्ने सीरीन ताबी अल एक 110 हिजरी उनका कौल नकल किया है कि जब रसूलुल्लाह को उनकी अपनी शक्ल में कोई देखे तो हां जी ये इंजीनियर साहब ने नहीं गन पॉइंट पे दाखिल करवाया है माम बुहारी माम मुस्लिम से अगर नबील इस्लाम की अपनी शक्ल में कोई देखे तो अब नबील इस्लाम की जो शक्ल मुबारक है वो तो हादीश में रिपोर्ट हुई हुई है हमें कई लोग मिले हैं वो कहते हैं हमने नबीस्लाम को क्लीन शेव देखा है बेचारे डरते हुए हमने बताया कि यार कोई परेशानी वाली बात नहीं तुमने नबीर अस्लाम को नहीं देखा वो कहते ये हदीस भाई इस हदीस का ये मतलब नहीं है यह है कि अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी अपनी उस शक्ल में देखे जो शक्ल मुबारक आपकी अहदीस में रिपोर्ट हुई है मुझे एक बुजुर्ग मिले आठ से तकरीबन पंद्रह साल पहले दो हजार आठ की बात है उन दिनों में एक दोस्त के घर में दर्श देता था हफ्ते में एक दफा एक दफा अपने घर में देता था तो वहाँ एक तबलीगी जमात के बुजुर्ग मिले उन्होंने कहा कि जी मैंने तो अपनी जवानी की उम्र में ख्वाब में इस्लाम की ज्यारत की और आपने फरमाया कि तबलीगी जमात जो है ना इसको ज्वाइन कर लो तो मैंने उस दिन फिर तबलीगी जमात ज्वाइन कर ली उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ख्वाब की नजर की है कुरानो दीज नहीं पड़ा अब उनकी किस्मत खराब के मरने से पहले मेरे साथ मुलाकात हो गई काश तो ना मिला होता हो गया मैंने कहा जी आपने क्या देखा कहता जी सफेद पगड़ी सफेद दाढ़ी और सफेद लिबास मैंने कभी आपने नबी इस्लाम को नहीं देखा या तो शैतान को देखा या कोई और आपका तखयल है कहता जी उस तख्ला तो अदीस है और मैंने कहाश के साथ दिखा है इबन सरीन का कॉल कि नबील इस्लाम यह कह रहे थे जिसने मुझे मेरी शक्ल में देखा तो मैंने कहा नबील इस्लाम की तो शक्ल मुबारक यह नहीं है बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है नबी इस्लाम की वफात हुई इस हाल में कि आपके सर और दाढ़ी के मिला के सर और दाढ़ी दोनों के मिला के बीस से ज्यादा बाल सफेद नहीं थे और ये जो दाढ़ी के भी बाल सफेद थे ना तो कनपटी पे चंद बाल थे थोड़े से ये होंठ के नीचे बल्कि यहां तक लोगों ने यानी उसकी तफसील नकल किया है कि आठ बाल सर मुबारक के छह दाढ़ी के इतने थे तकरीबन तो नबीलाम की तो ना दाढ़ी कभी सफेद हुई ना आपके सर मुबारक के बाल कभी सफेद हुए यह आपका मोरजा था 63 इयर्स की एज में भी यह हमारे सोलर इयर्स के एतबार से 61 बनते हैं कि आपकी दाढ़ी अल्लाह तला ने सफेद नहीं होने दी यानी आपको अल्लाह अता फरमाया था कि आपकी दाड़ी मेरी दाढ़ी के इससे ज्यादा बाल सफेद हो चुके हैं और ये जो सफेद दाड़ियों में नबी इस्लाम को देख रहे हैं तो नहीं देख रहे अल्लाह के बंदो सफेद दाढ़ी में तो आपका अपना कोई करीबी आदमी कुछ अरसे बाद आपको मिले ना तो आप नहीं उसे पहचान सकते क्योंकि आपका जेन ही नहीं देता कि ये वही बंदा होगा तो नबी इस्लाम को अगर आपके अहाब भी सफेद दाढ़ी में देखे ना ख्वाब में तो वो भी एक दफा पहचानने से इनकार कर देंगे उन्होंने तो नबी इस्लाम को उसने देखा ही नहीं हुआ इन्होंने झूठ मशहूर कर दिया फलांक की ज्यारत होगी फलांह को जियारत होगी फलांह को ज्यारत होगी राय वालों को ज्यारत होती है कि जितने इस साल इज्तम में आए वो बख्शे गए और मुल्तान इज्तम वालों को ज्यारत होती है जितने उधर आए वो बख्शे गए और दोनों एक दूसरे के बारे में एक्सेप्टेंस ये देते हैं कि राय वंड के जो हजरात हैं वो कराची मरकज मदीना में जाके मदरसतुलमदीना में नमाज़ नहीं पढ़ा सकते अपनी भी उन्होंने पढ़ने देने बड़ी गाल है और ना इियास कादी साहब राय में आके जमात करवा सकते हैं और दोनों के दावे सुने के नबीलाम जो है वो साबा समेत हमारे इज्तम में आते हैं ये सब का सब फ्रॉड चल रहा है भाई अल्लाह से डर जाए अक्सर लोग झूठ बोलते हैं और बाकी लोगों का दिमाग का तखयल होता है दिमाग इनका वो दिमाग की लो चटक गई होती है वो मुफ्ती कहते हैं ना चटक गई ये चटके हुए होते हैं सारे इस तरह नहीं होता मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ बोल रहे हैं ये आपने जहन में रखना है यानी वो डॉक्टर कादरी साहब ने जो कहा ना कि नबील इस्लाम ने मुझसे टैक्सी का किराया मांगा ख्वाब में और वो पूरे का पूरा बिल्कुल ठीक कह रहा है लेकिन सिर्फ फर्क यह है कि नबील इस्लाम नहीं थे शैतान ने आके ना तुझे तेरे साथ खेला है बस ये हुआ है तेरे साथ क्योंकि नबील इस्लाम ने अपनी शक्ल मुबारक की गारंटी दी है कि मेरी जो अपनी शक्ल है उसमें शैतान नहीं आ सकता और वो शक्ल मुबारक जो अदीस में आई है उसके मुताबिक जब भी आएंगे नबील इस्लाम तशरीफ लेके आएंगे वो आपको कंफर्म करना होगा अहदीश की रोशनी में आना आपने फिर भी किताबों की तरफ ही है बाबों से आपको फिर भी हटना पड़ेगा और इस तरह के कई ख्वाब साहब कराम को ताबईन को तबा ताबईन को बाद के लोगों को आए हैं और वाकई जेनुनली इस्लाम की ज्यारत हुई है वो ऐसी खबरें उसमें मिली हैं जो दुरुस्त निकली हैं लेकिन अब जो इतनी बड़ी फिरका वारीत की दराड़ है इसमें अगर आप इस तरह के ख्वाबों को लेके चलेंगे तो भाई फिर हर फिरके के पास अपने ख्वाब है सीधी सी बात है शिया के पास चले जाए तो आप उनकी स्टोरियां सुने उनके तो स्टील के पंजों में से खून निकल रहा होता है इमाम हुसैन इस्लाम तो आए दिन ही किसी को अपनी ज्यारत करवा देते हैं बस वो वो सोचते हैं ना ज्यादा उनको ज्यादा मुबकर उम्र की तो जारत नहीं होनी ना जिनके बारे में सोचते हैं उन्हीं की ज्यादात होनी है ब्रेलवी भी, भी नवी इस्लाम के बारे में सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे फिर वो द्रूषी बिर उनको फिर वो वजाय भी बताए भाई करते रहे करते रहे करते रहे। कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ ही जाना है ना और ये प्योरली मेडिकल एक फिनमिना है नफ्स की तरफ से जो इस तरह का मामला होता है या शैतान की तरफ से ये होगा कि वो कहेगा अच्छा मैं इससे खेलता हूं और इसको ये करवाता हूं इसको तो छोड़ दें आप गुलाम अहमद का दिया द उसने तो बेदारी में जिले मोहम्मद होने का दावा कर दिया था खाब तो छोड़ दें उसने तो कहा था कि मैं मोहम्मद हूं जो इस शक्ल में दोबारा से आ गया हूं तो ख्वाब मैंने शैतान आपके साथ खेल सकता और खेलता है इनके साथ बहुत ज्यादा जाहिर है कि जब आपके पास कुरान सुन्नत के दलाइल खत्म हो जाए फिर ख्वाब ही आपको बयान करने पड़ेंगे एक बरेलवी आलिम है जहूर अहमद फैजी साहब हाफिजाल्ला हमारे अच्छे दोस्त हैं वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे जिक्र किया मैंने कहा यार ये आपके जो बरेलवी खबाब कहते हैं फ्रॉड है सारा झूठ है इस तरह ख्वाब आते हैं अब जाहिर है कि वो सबके सामने तो इस तरह बात नहीं करते लेकिन जाहिर है फिर उन्होंने एक बड़ी इलमी बात की वो कहने लगे इंजीनियर साहब देखें जब नबी इस्लाम के करीबी जमाना था ना तो लोग हदीसें घटते थे क्यों हदीस घटने के लिए ना उन्हें पांच छह बंदों के नाम याद करने पड़ते थे मतलब एकताबी ने अगर कोई हदीस घड़नी है तो एक साबी का नाम मेंशन करके नबील इस्लाम तक पहुंचा देगा तब अताबी दो बंदे डाल लेगा उससे बाद में आने वाला तीन बंदे डाल लेगा अब चौदह सौ साल बाद कम अज कम बीस पच्चीस बंदे बीच में दाखिल करने पड़ेंगे तब जाके कोई रवायत घड़ी जाएगी तो उन्होंने कहा ठीक है शॉर्टकट मारते हैं संदेह छोड़ो डायरेक्ट कहो के ख्वाब में मुझे हजूर की ज्यादात हुई ताकि काम भी खत्म हो जाए वो कहते हैं इस वजह से आप देखेंगे आजकल लोगों को ज्यादा ख्वाब आते हैं उसकी वजह है कि पहले लोग हदीसें गटते थे अब इतनी लंबी सन्नत कौन काढ़ के बयान करे वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी हदीस की किताबें भी फ्रीज हुए हुए ऑलमोस्ट समझ लें एक हजार साल से ज्यादा हो, हो चुके हैं बाद की जितनी किताबें वो तो सेकेंडरी बुक्स है ना मिशकात सेकेंडरी बुक है सात साल पहले लिखी गई इसमें इनकी अपनी तो कोई हदीस नहीं है इन्होंने बुखारी से मुस्लिम से बुदाउद से से वही पहले तीन साल में जो हदीस की किताबें जमा हो गई क्योंकि उधर से सनत पहुंचाई जा सकती थी अब कौन सनत पहुंचाए? तो अब वो कहते हैं ये ख्वाब घटते हैं ताकि सनद वाला मसले ही खत्म हो जाए डायरेक्ट ज्यारत हो जी मनु और आगे बयान कर दे लेकिन साथ ही साथ ये याद रखें मैं कतन इस एक्सट्रीम पे नहीं हूं कि नबील इस्लाम की जियारत नहीं हो सकती बिल्कुल हो सकती है हमारे कई स्टूडेंट्स को हमारी इस दावत हक़ से मुतक नबील इस्स्ताम की ज्यारत हुई है कई लोग ऐसे हैं जो मेरे मुखालफीन थे उन्हें नबील इस्लाम की ज्यारत हुई और हमारी इस दावत के साथ अटैच हुए लेकिन मैंने कभी भी किसी को मेंशन करके इस तरह के वाकयात नहीं सुनाए ये मैं जनरल सिर्फ इसलिए जिक्र कर रहा हूं ताकि आपको बताऊं कि क्या अगर उन ख्वाबों की एक लिस्ट में देवबंदियों की तबलीगी जमात की टर्म में कारगुजारी के नाम से शाया कर दू या बरेलवियों की जमात की टर्म में दावत इस्लामी की मदनी ब इस नाम से जारी कर दूँ तो क्या बरेलवी देवबंदी हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ अटैच हो जाएंगे कहेंगे भाई ये कोई दलील नहीं सुनने से दलील पेश करो तुम झूठ बोल रहे हो और तुम भी झूठ बोल रहे हो फिर तो जो चीज आप दूसरे की मानने के लिए तैयार नहीं है अपनी क्यों पेश करते हैं हम तो हैं भाई सही मुस्लिम के अंदर मुकदमे में इमाम मुस्लिम लेके आए दो तबा ताबीन थे उन्होंने मुलाकात की आपस में और उनमें से एक शख्स ने जो इबन अबी आयाश है उसका जिक्र किया कि उससे मैंने हदीसें नोट की हैं और साथ उसने कहा कि मैंने ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की जियारत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला से रिक्वेस्ट की कि यार मैंने एक हजार हदीसें नोट की हैं जरा आप मुझसे सुन लें तो मैंने ख्वाब में वो एक हजार हदीसें नबीसलाम को सुनाई दारी में नहीं वो जलालुद्दीन से ही झूठ है ख्वाब में ख्वाब तो बरह कह तो कहते हैं इस्लाम ने सिर्फ पांच या छह हदीसों की तस्दीक की बाकी सब के बारे में फरमाया ये बिल्कुल झूठ है मैंने नहीं फरमाया और जहरा वो रावी भी कजाब है एवन अबी याश ये वही खबीस है जिसने हजरत उमर के ऊपर तोमत लगाई कि उन्होंने हजरत फातमा को कतल किया दरवाजा फेंक के जो शिया लेके फिरते हैं जाली रवायत अबान बिन अबी याश तो ये अबान बिन अबी याश वो कजाब रावी उसके बारे में वो इमाम मुस्लिम ने इससे साबित किया कि नबी इस्लाम ने भी उसको कजाब के तौर पर ट्रीट किया इसके बाद एक और मिसाल सुन सुन्नबी दाऊद के अंदर एक सबी कहते हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया जो एक एक दफा पढ़ ले सुबह शाम लहुल شيء قدير सुबह पढ़ ले तो शाम तक अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेगा उसे दस गुलाम बनु इस्माइल में से आजाद करने का सवाब मिलेगा दस नेकियां मिलेंगी दस गुना माफ होंगे दस दर्जात बुलंद होंगे शाम को पढ़ ले तो सुबह तक के लिए यही मामला तो अब ये बहुत बड़ी फजीलत थी तो इमाम उदूद ने इसके साथ नकल किया है कि एक शख्स को नबील इस्साम की ख्वाब में ज्यादत हुई और उसने कहा कि यारसोल्ला आपके एक सहाबी आप सल्लाम से यह हदीस बयान करते हैं तो क्या वाकई आपकी हदीस है तो आपने फरमाया हाँ ये मेरी हदीस है और ये जो मैं कलमात कह रहा हूं इसके फजाइल तो बुखारी मुस्लिम में भी आए हैं समझ भी आती है लेकिन सनत पहले चेक हुई हुई है सनत बिल्कुल ठीक है नबीसलाम की जारत हुई तो इमाम उदूद ने भी अपना क़ीदा दिया कि नबीलाम की ख्वाब में ज्यादत तबा तबहन को भी हो सकती है बाद के लोगों को भी हो सकती है बल्कि यह तो जाहिर वो बहुत बाद की बात कर रहे हैं फिर मुसरद आमद में जो हदीस है नबीस्म की वफात के पचास साल के बाद हजरत अब्दुल्ला अबन बास ने जो ख्वाब देखा था कि नबीलाम ने खून की एक शीशी उठाई हुई है और फरमाया कि मैंने अर्ज की अल्लाह के रसूल आपकी ये जो प्रांगदा हालत है तो आपको किसने गमनाक कर दिया तो आपने फरमाया मैं सुबह से हुसैन और उसके साथियों का खून समेट रहा हूं करबला में वो कहते हैं मैंने वो दिन और तारीख याद रखी और घबरा के जब दोपहर के वक्त उठा मैंने वो नोट कर लिया कुछ अरसे बाद फिर खबर पहुंची जाहिर उस जमाने में तो कम्युनिकेशन इतनी फास्ट नहीं थी तो पता चला कि वाकई उस दिन हुसैन इब्ने अली और उनके साथियों को शहीद किया गया करबला में रज अजम्सलम अजमायन तो यह इस्लाम की वफात के पचास साल के बाद इबन अब्बास ने खब में देखा तो एक सभी ने भी यानी ये ख्वाब नकल किया अपना और मुसरद आमद में आया तो तीन तो मैंने आपको अदीस की किताबों से मिसाल दे दी चौथी मिसाल ले लें शमायल तिरमजी इमाम तिरमजी की किताब है जिसमें उन्होंने इस्लाम के गेटअप से मतलब हदीसें जमा किए हैं कि आपके बाल मुबारक आपके कपड़े मुबारक आपकी पगड़ी मुबारक आपका गेटअप किस तरह होता था उसके एंड पे जाके उन्होंने इस्लाम की ख्वाब में जो ज़ियारत है उसके हवाले से भी एक चैप्टर बांधा उसमें वो इमाम तिरमजी नकल करते हैं कि एकताबी जो मुसफ़ लिखा करते थे कातब थे वो इब्ने बास के पास हाजिर हुए और कहा कि मैंने ख्वाब में नबी इस्लाम की जियारत की है तो इब्ने बास ने कहा कि मुझसे ख्वाब बयान करो क्योंकि मैंने इस्लाम से सुना है जिसने ख्वाब में मेरी जियारत की उसने मुझी को देखा मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता अच्छा ये लफ्ज लिखने में है ख्वाब ख्वा विफ वाह लेकिन पढ़ने में ये ख्वाब है वाओ साइलेंट हो जाता है खाब पढ़ा जाता है ये लफ्ज उर्दू में ख्वाब ख्वाब नहीं है ख्वाब लिखने में ख्वाब है तो फिर उन्होंने वो पूरा नक्शा बयान किया ये सबसे वो तगड़ी हदीस है जिसमें इस्लाम का पूरा गेटअप आया कि आपकी दाढ़ी मुबारक किस तरह की थी आपकी आंखें मुबारक आपके चेहरे के पूरी की पूरी तफसीला उस हदीस में आई हैं और उसमें यह भी मौजूद है कि नबीलाम की दाढ़ी मुबारक सीने के इब्तदाई हिस्से पे फैली हुई थी वहां पे तो वैसे लफ्ज है नहर तक थी ये नहर ये जो हल्का सा गड़ा बनता है सीने और गले के जोड़ पर लेकिन अल को अब ये मसला था तो उन्होंने फिर तर्जमा कर दिया सीने के इब्तदाई हिस्से पे क्योंकि इन्होंने तो इतनी लंबी लंबी दाढ़ी बताई हुई है ना नवील नाम की तो लंबी दाढ़ी नहीं थी आपकी तो एक मुठी ही दाढ़ी थी नेचुरल नहर तक थी तो ये तर्जमा जो आपको करके बताते नहीं सीने तक फैले वो सीना तो अरबी में सदर को कहते हैं नहर के अल्फाज है इसीलिए ये हदीस जब दारुसलाम वालों ने प्रिंट किया है ना तो उनके जो के बड़े आलिम है सतार, हमाद उनको ख्याल आया कि मैं तर्जमा नहीं बदलू तो उन्होंने ना दरम्यान का एक तर्जमा कर दिया सीने के इब्तदाई हिस्से पर फैली हुई थी ऐसी के इब्तदाई हिस्से पर फैली हुई थी हालांकि लफ्ज है नाहर तक थी तो वो ताकि अपनी इमाम के शर से बच सकें कि वो पूछे भी आम तो सीना बताते थे तो कहेंगे मैं सीना लिखे है ना और हमारे जैसे किसी पढ़े लिखे बंदे से रबता पढ़ रहे तो वो कहेंगे देखें मैंने सीना नहीं लिखा सीने का इब्तदाई हिस्सा लिखा है यानी नहर वो अल्लाह के बंदो नहर खुद अरबी का लफ्ज है फसल रबी का व नहर ऊंट को भी नहर किया जाता है गर्दन और सीने के जोड़ से आप ये लिखो कि गर्दन और सीने के जोड़ तक थी लेकिन नहीं मैं नहीं काटता दाढ़ी मेरी नेचुरली इतनी है मेरी भी न हर था कि अलहमद लो तो इसमें भी नबील अस्लाम की ज्यादात एक तावी को हुई और इब्न अबास ने तस्दीक की ये चार मिसालें मैंने आपको दे दी हक चार यार की नस्बत से चले तन पा की नस्बत से एक और ले लें यह तो इनको अजम भी नहीं होनी सुनम दारकुत्तनी जो हदीस की किताब है इमाम दारकुत्नी अलमुतव तीन सौ बयासी हिजरी चौथी सदी सदीजरी में अल-सुन्नत के बड़े में से हैं। उनकी किताब है सुनत दारी डी एफ भी अवेलेबल है ने खुद तर्जमा करके प्रिंट कर दिया उसे बड़ी नेकी का काम किया है। उसमें जब नमाज के तरीके से मुतलिक अहदीस आई है ना तो उसमें इमाम दारकुतनी ने अपने उस्ताद का ख्वाब नकल किया है तो सनत की जरूरत नहीं है उन्होंने डायरेक्ट अपने उस्ताद से सुना है और सुना किसने है ब्रिल्वी देवबंदी एहले तीनों के मुश्तर का इमाम, इमाम दार कुतनी वो कहते हैं कि मेरे उस्ताद कहते हैं कि पहले मैं भी कूफियों के मजहब पर था और रफुल जैन से नमाज नहीं पढ़ता था तो एक रात मुझे ख्वाब में नबी सलम की जियारत हुई मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं हजूर को नमाज पढ़ते हुए देखो तो कहते हैं मैंने ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा आप रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल दैन कर रहे थे तो मैंने रफाई दैन शुरू कर दिया ये ख्वाब हदीस की किताब में लिखा हुआ है और सनद इतनी मजबूत कि इमाम दर को खुद किताब लिख रहे हैं और कह रहे हैं मेरे उस्ताद मुझे जब रफुल दैन की दिसें लिखवाता था तो कहता था साथ ये भी लिख कि मैं भी रफा दैन शुरू किया जिसने तुम इंजीनियर साहब की वीडियो देख के ना उन्होंने नबी इस्लाम की वीडियो वेखी अच्छा ये जो खाब खाब करते हैं खाबों की दुनिया इन्होंने खड़ी की है मुझे बताएं ये बिरलवियों ने जब सुन कुतनी छापी है ये नबील इस्लाम का ख्वाब किसी अहले दिस ने नहीं देखा किसी देवबंदी ने नहीं देखा किसी शिया ने नहीं देखा इमाम दारकुतनी के उसताद ने देखा है क्या उनके उस का ख्वाब ये पढ़ के क्या बिरलवी रफन शुरू कर देंगे तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो कोई दलील नहीं है आप जो है ना वो हदीस से बताएं हदीस तो बुखारी मुस्लिम की कितनी है आपको बताइए वो तो सेवनटी बी मसला देखें जो आपका फ्रॉड था सारा केफा तक साबित करें खुलफ राजदीन से साबित करें और पता नहीं क्या कुछ मैंने सब कुछ आठ इलमी पॉइंट रिकॉर्ड करवा दिए एक, एक चीज का जवाब दिया है तुम लोगों ने तो बुखारी मुस्लिम की हदीशें नहीं मानी चले ख्वाबों में चलने वाले हो तो हम तो आप ख्वाब भी दिखा रहे हैं और क्या चाहते हो तुम्हारे बाबों के ख्वाब जिनको शायद नमाज भी ना सही तरीके से आती हो उसके ऊपर तुमने अपना पूरा फिरके खड़े किए मैं और हम आपको इमाम दर के उस्ताद एक मुहदस का ओरिजिनल ख्वाब बता रहे हैं हदीस की किताब से कि उन्होंने नबील इस्लाम को ख्वाब में रफुल दैन से नमाज पढ़ते हुए देखा है तो तुम रफलैन शुरू क्यों नहीं करते टाइम क्या मत अच्छे जवाब देना जी इस गाल का यह भी नहीं कह सकते कि वह झूठा ख्वाब है हदीस की किताब में सनत में बहस ही नहीं है वो डायरेक्ट उस्ताद अपने शगिरद को लिखवा रहा है, है। हदीस का की तो है अपनी। देखा कैसी बंद गली में जय <laughs> गया, गया, गया पीरान बार, बार।, बार। अभी भी नौकरी अदा कर दे पे अभी भी नौकरी अदा कर देखा एक बार बैठने वाले हाथ खड़ा करके बताएं मुझे बताएं ये बात ठीक है कि तमाशा करते हो फिर कहते आप मसलक का काम नहीं होता मसलक वालों को तुम खुद रगड़ते हो और जो रात आगे भी मनु पै गया हूं तुम चुप बैठे हो और निकलो बाहर देखा कैसा प्या है नानू मैं किथे जाओगे एंड पे इनके पास यही चारा होगा कि ये फिर चीखो पुकार करेंगे तो ये सारी की सारी गुफतु करने का मकसद ये था कि ये एक अच्छा मौका था कि मैं इस उम्मत की असलाह करता कि इस उम्मत को इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल अजल्ला की मोहब्बत के नाम पर अपने बुजुर्गों के कदमों में डाला है और हमारा काम यह है कि एक एक बंदे को झंझोड़ेंगे और उसे बताएंगे कि मरने से पहले ए मुसलमा कर ले इस पर गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और किताबों का पैंबर और है बाबों का पैंबर और किताबों का दी और है बाबों का दी और अगरचे सारे बाबे मुसलमान थे अल्लाह रसूल के मानने वाले थे दीन इस्लाम के मानने वाले थे तालीमत उन्होंने आप आपको किताबों वाली नहीं बताई बाबों वाली बताई है हम सिर्फ उन बाबों का एहतराम करते हैं जो किताबों का एहतराम करते हैं जो किताबों के गद्दार हैं अल्लाह और उसके रसूल के गद्दार हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है बिल्कुल उनके लिए मेरा एक नारे काफी है मेरा भी कोई नहीं तेरे बाबे शाय कोई नहीं सलू अलाहम्मद वसहाबी मुहम्मद व अजवाजी मुहम्मद व उम्मी महम्मद أجمعين إلى يوم الدين آمين اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت لحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. अल्लाह मकफीना व मैदी व शाहिदीना वबीना व सगीना व कबीरना वकरिनना वनसाना अल्लाम तहु मुन्ना फतवलान जिन जिन भलाइयों का सवाल तेरे महबूब सल वसलम ने तुझसे किया हमारे हक में हमारे माँ बाप के हक में हमारे बीवी बच्चों के हक में पूरी उम्मत के हक में कब्ल मंजूर फरमा जिन जिन चीज़ों के शर से तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि सल्हे वसलम ने तेरी पनाह तलब की तमाम मुसलमानों को उन चीज़ों के शर से अपनी पनाह तरमा खसूस बिलखसूस फिलस्तीन में कश्मीर में इंडिया में चाइना में यमन में इराक में शाम में अफगानिस्तान में पाकिस्तान में जहाँ कहीं मुसलमान कसपुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं गैब से उनकी इज्जत आबरू रूजान माल की हफ़ाजत फरमा अल्लाह हाजरीन के दिलों में जो, जो नेक और जायज़ दुआएँ हैं कबूल फरमा हाजरीन के जो छोटे बड़े रिश्तेदार फौत हो चुके मफ़रत फरमा जो बीमार हैं उन्हें शिफायकुल ताफरमा ये, ये तमाम दुआएँ तमाम मुसलमानों के हक़ में कबुल मंजूर फरमा हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी ख़तरा से महफूज़ फरमा पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमा سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين آمين